हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अन एकेडमी। माय नेम इज डॉक्टर वरुण शर्मा और आप सभी का स्वागत है अन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम राजस्थान स्ट्री कवर कर रहे हैं अंदर दी लेट्स क्रैक आर राजस्थान एग्जाम्स स्पेसिफिकली फॉर आरपीएससी आरएएस। ठीक है, तो मैं खासतौर से क्लासेस ले रहा हूँ आरपीएससी आरएएस के लिए इंग्लिश मीडियम में, हिंदी में भी पढ़ा रहा हूँ, बट दिस इज इन्फॉर्मेशन अबाउट मी। अच्छा, मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैं सर आपको अन अकेडमी में कहाँ से फॉलो करें, ये मेरा लिंक है अन अकेडमी का, तो आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको मेरे बारे में और भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगी, सो यू कैन गो एड एंड डू दैट। एंड ये बाकी मेरे बारे में डिटेल है, इफ़ यू वॉन्ट टू नो एनीथिंग यू कैन प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड इट आउट। ठीक है, तो दिस इज अबाउट मी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लास्ट पार्ट है गोहिल एंड सिसोदिया डायनेस्टी ऑफ मेवाड़ का, तो वो हम खत्म करने वाले हैं। पूरी मेवाड़ की जो हिस्ट्री है वो टिल इंडिपेंडेंस तक हम पूरी खत्म करने वाले हैं, तो ये थर्ड पार्ट में, क्योंकि सबसे बहुत बड़ा इसका वो रहा है पूरा टॉपिक, तो इसीलिए यहाँ पर इसको तीन पार्ट में हमने कंप्लीट करी है। आई थिंक कुछ इफ यू कैन हियर मी प्रॉपरली, कैन यू ऑल प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन हियर मी प्रॉपरली एंड इफ यू कैन यू नो रिप्लाई मी बैक। कैन यू डू दैट गाइज, एनी ऑफ यू हु इज ऑनलाइन, अदरवाइज आई विल स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वाई अन अकेडमी? बिकॉज अन अकेडमी पर आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, यू आर गेटिंग स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो आर एस के अंदर आने वाले हैं वो हम सब आपको पढ़ाएंगे, और मैं ही नहीं, मेरे से और 25+ एजुकेटर्स अन अकेडमी के साथ काम कर रहे हैं, तो सब आपकी जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, इंक्लूडिंग रीजनिंग, मैथ, साइंस, एवरीथिंग दे विल बी कवरिंग। ठीक है, तो ये चीज़ सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, प्लस यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस है वीडियोज़ को। ऐसा नहीं है आपने जो क्लास एक बार देख ली तो वो आप दोबारा नहीं देख सकते हैं, आप जितनी बार चाहे उनको देख सकते हैं, यू कैन रीविजिट देम एन नंबर ऑफ टाइम्स। आपके जो क्वेश्चंस है वो आप उनसे पूछ सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी मैं लाइव डाउट क्लियरिंग करता हूँ यूट्यूब पे, पर ये मैं प्लस की बात करूँ तो प्लस के ऊपर आपके जो बैचेस जो होते हैं वो लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ज्वाइन दैट, सो यू कैन ईजिली क्लियर डाउट्स, गेट योर डाउट्स क्लियर ड्यूरिंग द लाइव क्लासेस। उसके बावजूद भी अगर नहीं होता है तो हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखते हैं, तो वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप जितनी बार भी चाहे वीडियोस देख सकते हैं, क्लास मिस हो गई तो भी उसको दोबारा देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं आराम से। प्लस ये कुछ टॉप एजुकेटर्स के नाम हैं यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं अन अकेडमी पर, इनमें से काफ़ी उसे आप ऑफलाइन भी पढ़े होंगे, और वाईफाई स्टडी भी अन अकेडमी के सब्सिडियरी चैनल है, तो आरपीएससी की जो फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की जो एग्जाम्स है उसके लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो प्लीज, और ये आप सब कुछ यहाँ पर अन अकेडमी पर ज्वाइन करने के बाद ही कर सकते हैं फर्स्ट ग्रेड का भी। ठीक है, तो प्लीज़ गो एड एंड डू दैट। ये कुछ कोर्सेज है, अपकमिंग कोर्सेज जो आने वाले हैं पटवारी के लिए और बाकी एग्जाम्स हैं उनके लिए, और यहाँ पर हम लोग आपको फ्री मॉक टेस्ट भी करवाते हैं आरपीएससी के अलग अलग एग्जाम्स के लिए। अभी जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर है वो वाईफाई स्टडी करवा रहा है, और इसके अलावा जो वीकली मॉक टेस्ट है आरपीएससी आरएएस के, जब आप प्लस मेंबर बनते हैं तब आपके लिए हम लोग लेकर आएंगे। गुड मॉर्निंग बुधराम यादव। तो हाउ टू रजिस्टर एन अकेडमी, यू हैव टू डाउनलोड दी अकेडमी लर्निंग ऐप। ठीक है, आप लोग डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन पे जाना पड़ेगा, गेट सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो फिर आप ये मेरा रेफरल कोड ध्यान रखिएगा 10BS, इसके ऊपर आप जब ये कोड पुट करेंगे गिफ्ट बॉक्स आएगा आपके सामने, तो आपको 10% अपफ्रंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जो एक महीने एक साल का 7,000 रुपये का है वो आपको 6,300 में मिल जाएगा, और जो दो साल का है पूरा 8,400 रुपये का, वो आपको 7,560 रुपये में मिल जाएगा। तो बहुत एक डील टू सील वाली पोजीशन है। अगर आप देखें तो 8,400, मैं दो महीने के लिए इसलिए कहता हूँ कि जो 8,400 है उसके अंदर अगर सिर्फ 1 मंथ और एक्स्ट्रा ऐड कर दो, मतलब आपका 12 मंथ्स वाले में, तो ये आपको पूरा दो महीने दो साल का मिल जाएगा। तो इट्स द बेस्ट डील दैट यू कैन हैव। कुछ लोग 3 महीने 6 महीने का लेते हैं, बट आप जहाँ 5,600 खर्च कर रहे हो वहाँ आपको दो साल के लिए पूरा 7,560 में मिल जाएगा। सो यू कैन इमेजिन कितना फायदा हो सकता है आपको इस चीज़ से। ठीक है, तो चलिए अब, और आपके इसके अलावा कोई भी इंक्वायरी है, दिस इज माय नंबर, यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी। अगर मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ तो आई विल बी कॉलिंग यू बैक, एंड आप अपना नाम और नंबर छोड़ सकते हैं मैसेज के साथ या व्हाट्सएप पे, जैसे भी चाहें। और ये मेरा अनअकैडमी का, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। सो एनीथिंग एल्स दैट यू नीड, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। अगर मैं उठा पाया तो ठीक, नहीं तो मैं आपको आई विल बी गिविंग यू कॉल बैक एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज आई एम फ्री। ओके, सो दिस इज इट। तो अब हम जो टॉपिक की फाइनल जो उसके ऊपर पड़ाव पर आ गए हैं, जो लास्ट पार्टिकल आपको मैंने बताया था कि कैसे राणा सांगा की डेथ के बाद मुगल कंट्रोल ऊपर स्टैब्लिश हो जाता है दिल्ली के ऊपर, उसके बाद राणा रतन सिंह आते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, उनका बूंदी के राजा के साथ शिकार खेलने जाते हैं, वह उनका झगड़ा हो जाता है आपस में ही, दे बोथ एंड अप किलिंग ईच अदर, तो वो आपने पढ़ा होगा। तो उसके बाद जो मेवाड़ के महाराणा बनते हैं वो बनते हैं आपके राणा विक्रमादित्य।
ठीक है, क्योंकि राणा रतन सिंह के कोई एयर नहीं था, ही वो उनके कोई औलाद नहीं थी, तो इसीलिए विक्रमादित्य को राजा बनाया जाता है, और जो हाड़ी रानी कर्मावती थी ठीक है वो उनकी गार्जियन बन जाती है। अब क्या होता है देखिए, इनके टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था बहादुर शाह जो गुजरात का सुल्तान था उसका अटैक चित्तौड़ के ऊपर, ठीक है, जो मार्च 1533 में होता है। तो जब ये अटैक करने वाला होता है तो क्या होता है, ये आपके कर्मावती जो होती है वो हुमायूं से हेल्प मांगती है, हुमायूं को राखी बेचती है, लेकिन हुमायूं आ नहीं पाता है, वो मना कर देता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा अभी तो, लेकिन इसलिए फिर वो क्या बहादुर शाह के साथ ट्रीटी साइन कर लेती है और बहादुर शाह वापस लौट जाते हैं। मार्च 1533 की बात है, दो बार अटैक करता है बहादुर शाह, ध्यान रखिएगा। तो इसके पीछे ये बात थी। हालांकि होता क्या है कि जब बहादुर शाह छोटा था तो उसको राणा सांगा के पास ही पढ़ने भेजा जाता है, पढ़ने क्या मतलब, वो राणा सांगा उसको अपने पास रख लेते हैं, जो गुजरात के सुल्तान से जब उनकी लड़ाई होती है पहले गुजरात की बैटल में, तो उसको वो लेकर आ जाते हैं, तो वो उनके पास करीब 6 साल की उम्र तक उन्हीं के पास रहता है, लेकिन फिर वापस उसको राणा महाराणा सांगा उनको वापस भेज देते हैं। लेकिन और जब ये ट्रीटी साइन होती है तो हाड़ी रानी कर्मावती थी, उन्होंने बोला भी था कि तुम हमारे यहाँ रहे, तुमने हमारे यहाँ नमक खाया, तुम्हें अटैक नहीं करना चाहिए, तो इस तरह ट्रीटी साइन करके वापस चला जाता है। लेकिन 1535 में दोबारा आता है ये, ठीक है, और इस बार फिर कर्मावती हुमायूं से हेल्प मांगती है, तो हुमायूं इस बार हाँ कर देता है और वो चलकर ग्वालियर तक पहुंच भी जाता है। जब वो ग्वालियर पहुंच जाता है तो ये खबर मिलती है आपके बहादुर शाह को, जो गुजरात वाला था। अब वो क्या करता है कि उसको लगता है कि अगर हुमायूं यहाँ पहुंच गए तो फिर से मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो वो हुमायूं को चिट्ठी लिखता है। वो बोलता है कि इस वक्त मैं जिहाद पर हूँ और खुदा का काम करने जा रहा हूँ, तो अगर आप खुदा के काम में आकर मुझको रोकोगे तो फिर कैसे मैं खुदा को क्या जवाब दे पाऊंगा। इस तरह से उसको एक जिहाद के तौर पर ब्लैकमेल करता है हुमायूं को। तो हुमायूं बोलता है कि अगर ठीक है फिर अब मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा, तो हुमायूं के ग्वालियर रुक जाता है और वो उसकी हेल्प के लिए हाड़ी रानी कर्मावती की हेल्प के लिए नहीं आ पाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कर्मावती फिर जौहर करती है, जिसको चित्तौड़ का दूसरा साका कहा जाता है, यानी कि चित्तौड़ का दूसरा साका, ठीक है, और वो विक्रमादित्य और उसके पुत्र उदय सिंह जिसने उदयपुर बसाया था आगे जाकर, उसको बूंदी बेच देती है और खुद जौहर कर लेती है, और देवलिया का रावत जो बाघ सिंह है उसको वो लड़ता हुआ यहाँ पर शहीद हो जाता है, वो मारा जाता है। तो देवलिया रावत बाघ सिंह का जो रिलेशन है वो चित्तौड़ की सेकंड बैटल से, सेकंड साका से, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपको साका मैंने बता दिया, चित्तौड़ का पहला साका जहां पर आपके गोरा और बादल मारे जाते हैं, दूसरा साका के अंदर भाग सिंह मारा जाता है, तीसरा साका भी आगे आएगा वो हम बताएंगे, उसमें आपके जयमल और फत्ता मारे जाते हैं जब अकबर अटैक करते हैं, तो वो आपका ध्यान रखिएगा उस चीज को, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पर पूरी लेकर चलिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं इसलिए इनके बारे में पूछा जा सकता है। अब बहादुर शाह के चित्तौड़ को कॉन्कर तो कर लेते हैं 8 मार्च 1535 को, लेकिन फिर हुमायूं को लगता है कि उसने गड़बड़ कर दी, उसकी उसको हेल्प के लिए जाना चाहिए था, और वो दोबारा चित्तौड़ की तरफ अटैक करने के लिए भागता है। लेकिन तब तक क्या होता है, जब ये बात सुनता है बहादुर शाह, तो वो क्या कहते हैं चित्तौड़ छोड़कर और वापस मांडू चला जाता है, और इस मौके का फायदा विक्रमादित्य दोबारा उठा, उसको चित्तौड़ वापस मिल जाता है। विक्रमादित्य उसके कुछ सरदारों के साथ मिलकर दोबारा चित्तौड़ पर चढ़ाई कर देता है और चित्तौड़ को वापस अपने कब्जे में ले लेता है, तो ये उसको वापस चित्तौड़ मिल जाता है आराम से, बहुत ज्यादा कोई फाइट किए बिना। तो हुमायूं को जब ये पता लगता है तो फिर वो वापस अपने दिल्ली चले जाते हैं, फिर वो चित्तौड़ की तरफ नहीं आते हैं, ठीक है। अब 1536 के अंदर जो बनवीर होता है, जो आपके पृथ्वीराज, जो आपके राणा सांगा का बड़ा भाई था, उड़ना राजकुमार जो आपको मैंने बताया था पृथ्वीराज, उसका और एक दासी थी पूतल देव, उनका पुत्र होता है, तो वो अपने आप को महाराणा घोषित कर देता है, और वो क्या विक्रमादित्य को तो मरवा देता है, और ही अटेम्प्ट्स टू किल उदय सिंह, जो आपने पढ़ा होगा, जो पन्ना था ही अपने बेटे चंदन को, जो आपको मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि चंदन को वो सैक्रिफाइस करवा देती है, उदय सिंह को निकालकर भेज देती है वापस, तो उदय सिंह को निकालकर आशा देवपुरा के पास, जो आपके कुंभलगढ़ का दुर्गपाल होता है, फोर्ट गार्ड होता है, उसके पास भेज देती है, तो उसका लालन पालन फिर कुंभलगढ़ में होता है उदय सिंह का। जब मैं कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में बता रहा था आपको, मैंने बताया था कि है ना यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उदय सिंह भी यहीं पर आकर बड़े हुए थे, क्या कहते हैं आपके ये प्रताप वहीं पैदा हुए थे, उदय सिंह का कॉरोनेशन भी कुंभलगढ़ के अंदर, क्या प्रताप का भी कॉरोनेशन कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था, उदय सिंह को भी वहीं राजा बनाया गया था, तो सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी उस चीज के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, और दो चीजें ध्यान रखिएगा, जब विक्रमादित्य उदय सिंह को पहले बूंदी भेजा जाता है जब 1533 में अटैक होता है, और 1536 में विक्रमादित्य के मरने के बाद आपके क्या नाम है इनको ये उदय सिंह को फिर कहाँ भेजा जाता है, कुंभलगढ़। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों इंपॉर्टेंट भी हैं। चलिए अब आपके आते हैं महाराणा उदय सिंह, ठीक है, ये उदय सिंह सेकंड है, लेकिन उदय सिंह के नाम से इनको जाना जाता है, क्योंकि जो पहले वाले थे महाराणा ऊदा, जो कुंभा का पुत्र था, जिसने कुंभा को मरवाया था, उसको ऊदा के नाम से हो गया, तो उसका नाम भी उदय सिंह था, तो उदय सिंह फर्स्ट वो थे, ये उदय सिंह सेकंड है। और इनको लेकिन एक्चुअली जब भी उदय सिंह की बात होती है तो महाराणा उदय सिंह इन्हीं की बात होती है, ठीक है। तो कुछ मेवाड़ के जो आपके जो सामंत थे, चीफटेंस थे, उन्होंने उदय सिंह को नया राजा घोषित कर दिया था कुंभलगढ़ के अंदर, ये बात बनवीर को पता नहीं थी, ठीक है। अब महाराणा उदय सिंह क्या होता है, बनवीर को 1540 में हरा देते हैं और वापस से अपना जो पेरेंटल किंगडम था, एंसेस्ट्रल किंगडम था, उसके ऊपर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। 1559 के अंदर महाराणा जो है उदय सिंह, वो उदयपुर की नींव डालते हैं। इसी साल प्रताप का जो पुत्र होता है, प्रताप के पुत्र अमर सिंह,
ठीक है, फर्स्ट वो पैदा होते हैं, तो इसी साल ये फाउंडेशन डालते हैं उदय सिंह की। आगे मैं आपको लिंक करवा दूंगा जो बात मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये आपके उदय सिंह को वहां पर लेकर आते हैं, उसी साल ये उदय सागर लेक को भी बनवाते हैं वहीं पर। तो उदयपुर के अंदर उदय सागर लेक और उदयपुर की नींव डालते हैं। तो 1559 ईयर ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं चीजें, कब उदयपुर की नींव डली थी, कब जोधपुर की नींव डली थी, कब जयपुर की नींव डली थी, तो ये चीजें पूछी जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, अब उदय सिंह ने क्या किया था, जो उदय सिंह की एक प्रॉब्लम रही, उन्होंने बाज बहादुर जो एक मुगल चीफटेन था लेकिन अपने आपको मालवा का राजा घोषित कर दिया 1562 में। आपने बाज बहादुर की कहानी सुनी होगी रूप कवर वाली, ठीक है, तो वो उसके प्यार में पागल हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर रत्नाराम जी, ये क्लास मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ पूरी, लेकिन जो पीडीएफ है वो पूरी इंग्लिश के अंदर है, ठीक है, तो वो मेरे को हिंदी में टाइपिंग आती नहीं है, तो वो आपको पूरी जो पीडीएफ है वो आपको हिंदी में तो नहीं मिल पाएगी, वो इंग्लिश में मिलेगी, ठीक है। कि मैं जो बता रहा हूँ वो सारी चीजें हिंदी में बता रहा हूँ, तो आप वैसे मैनेज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो जो बाज बहादुर है वो रूलर ऑफ मालवा, वो उसके साथ प्रॉब्लम होती है, तो उसको वो क्या होते हैं, जब वो अपने आपको इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर करता है मालवा का, और अकबर को पैसे देने से मना कर देता है, जो चौथ वसूली, चौथ तो नहीं, जो नजराना होता है, तो उसके बाद अकबर को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो चित्तौड़ पर अटैक करे, क्योंकि बाज बहादुर को चित्तौड़ ने रिफ्यूज दिया था, तो चित्तौड़ को वो वहां पर वो उसको क्या कहते हैं शरणागति के तौर पर जाता है, तो उसको हेल्प करता है वहां पर। तो अब अकबर को वैसे भी चित्तौड़ को अटैक करने का बहाना चाहिए था, क्यों, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया चित्तौड़ एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर पड़ता है, दिल्ली से अगर आपको गुजरात जाना हो, मालवा जाना हो, साउथ के अंदर जाना हो, तो चित्तौड़ होते हुए जाना पड़ता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, तो इसलिए चित्तौड़ को वो अपने कब्जे में करना चाहता है। तो चित्तौड़ पे जब अटैक करता है, तो फिर तब महाराणा जो उदय सिंह है चित्तौड़ छोड़कर और कुंभलगढ़ वापस आ जाते हैं, और जैमर और फत्ता को चित्तौड़ की निगरानी के लिए छोड़ जाते हैं, उसकी हेल्प करने के लिए, तो जैमर और फत्ता दोनों शहीद हो जाते हैं मरते हुए। इसी के साथ वहां पर कल्ला राठौड़ थे, वो भी उनकी मौत हो जाती है, उन्हें चार हाथ वाला देवता बोला जाता है। तो जब ये इनको क्या है, ये जब इनका सर कट जाता है, तो इसको सर को इनकी जब धड़ कट जाता है, तो धड़ के ऊपर बिठा के अपने फत्ता को, और फिर लड़ाई कर देते हैं, तो इनको चार हाथ वाला देवता भी कहा जाता है इसीलिए, ठीक है। तो ही वॉज, तो ये भी उसके बैटल के अंदर चित्तौड़ की बैटल में मारे जाते हैं, और राजपूत जो औरतें हैं वो वहां पर साका करती हैं, तो ये चित्तौड़ का तीसरा साका है। तो आपको तीनों साके बता दिए मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट वाला कब हुआ था, 1303 के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी आया था, सेकंड वाला हुआ था हाड़ी रानी कर्मावती वाला जब आपके ये बहादुर शाह आया था, और थर्ड आपके हुआ था जब अकबर ने अटैक किया था चित्तौड़ पर। तो तीन साके आपको मैंने कंप्लीट करवा दिए, तीनों साके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा चित्तौड़ के, ठीक है। चलिए, और जैमर और फत्ता की जो बहादुरी से खुश होकर आपके जो अकबर है वो उनकी हाथी पर गजारूढ़ मूर्तियां कहा जाता है, गजारूढ़, ठीक है, गजारूढ़ जो एलिफेंट के ऊपर बैठी होती है, गजारूढ़ मूर्तियों को आगरा के फोर्ट पर, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां पर लगवाई थी उसने, आगरा के फोर्ट पर लगवाई थी उसने गजारूढ़, गजासीन, ठीक है। शंकरलाल जी, आप जो इंग्लिश का फोर्थ पेपर है, आई थिंक अजीत रॉयड सर है वो पढ़ा रहे हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, इंग्लिश वही पढ़ाएंगे उसके अंदर, ठीक है, अभी तो वही पढ़ा रहे हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, अजीत रॉयड। तो महाराणा उदय सिंह की जो डेथ होती है वो 28 फरवरी 1572 के अंदर गोगुंदा के अंदर होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये उदय सिंह के बारे में पूरी जानकारी थी, ये ध्यान रखिएगा कि जयमल और फत्ता की मूर्ति अकबर ने आगरा फोर्ट पे लगवाई थी, गेट पर दोनों तरफ। चलिए, अब आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं वो महाराणा प्रताप, ये उनकी पोर्ट्रेट है, और ये वाला मोती मगरी के अंदर इनका जो स्टैचू लगा हुआ है वो आप लोगों ने कईयों ने देखा भी होगा, तो मोती मगरी का वही स्टैचू है, और जहाँ चेतक की भी डेथ हुई थी वहीं पर इसी जगह। तो ये है, तो महाराणा प्रताप सबसे इनके जो एक फ्रीडम फाइटर जो माने जा सकते हैं, एक बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टर के इंसान, बहुत मजबूत और बहुत ही एक विलफुल वॉरियर थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो उनका जो टाइम पीरियड है 1572 से 1597 का है, ठीक है। प्रताप जो थे वो सबसे बड़े पुत्र थे उदय सिंह के, और उनकी रानी जयवंताबाई से पैदा हुए थे, तो ये ध्यान रखिए प्रताप की मदर का नाम कहीं पूछा जाता है, तो उनकी मदर का नाम जयवंताबाई था, और उदय सिंह उनके फादर थे, ठीक है। और उनके बचपन का नाम कीका था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ठीक है, तो कीका उनके बचपन का नाम था। अब क्या होता है उदय सिंह, लेकिन क्या होता है उदय सिंह की जो दूसरी रानी थी, तो वो भटियानी रानी जो थी उनकी, उनके इन्फ्लुएंस में आकर जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं, ठीक है, अपने रहते जिंदा रहते। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या होती है, कई सारे जो आपके जो मेवाड़ के वो सामंत थे वो उन लोगों के बात पसंद नहीं आती, तो जैसे ही ये लोग जब ये उसको अग्नि देकर आते हैं उदय सिंह के मरने के बाद, तो प्रताप को गोगुंदा में राजा डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। इसको राजमहलों की क्रांति भी कहा जाता है, रेवोल्यूशन ऑफ द पैलेसेस, ठीक है। तो इनको राजमहलों की क्रांति, इसी बात को कहा गया राजमहलों की क्रांति, यहां मैं लिख देता हूँ रेवोल्यूशन ऑफ द पैलेसेस, राजमहलों की क्रांति, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इसको राजमहलों की क्रांति इसी चीज को कहा गया है।
तो अब क्या होता है, जब ये प्रताप को राजा घोषित कर देते हैं तो उसके बाद ये डिक्लेयर कर देते हैं इनको गोगुंदा के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, गुस्सा आ जाता है जगमाल को, क्योंकि राजा उसको बनना था, उसके फादर ने उसको डिक्लेयर किया था, लेकिन वो अकबर के पास जाता है और अकबर उसको जहाजपुर और आंधी की जागीर दे देता है, ठीक है। और आपके जो ये जगमाल है इसकी मौत हो जाती है दत्ताणी सिरोही की बैटल में, जब सिरोही के हाडा राणा सुरजान सिंह से लड़ रहा होता है तब इसकी डेथ वहीं पर हो जाती है, ठीक है, 1583 के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा पता रहना चाहिए। अब क्या होता है 1572 के अंदर, जब जितने भी सारे राजपूत रूलर्स थे, क्योंकि अकबर 1570 में नागौर का दरबार लगवाता है, यह ध्यान रखिएगा, 1570 में नागौर दरबार लगवाता है अकबर, ये आगे डिस्कस करूंगा मैं, नागौर दरबार डिटेल में क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर एक मेंस के अंदर। तो नागौर दरबार के अंदर बहुत से राजा जो होते हैं वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अब अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद क्या होता है, सिर्फ एक उदयपुर का जो महाराणा था वो, और दूसरे आपके ये जो राव चंद्रसेन थे जो मारवाड़ के थे, लेकिन उनके बड़े भाई मोटा राव उदय सिंह वगैरह वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो चंद्रसेन ने और अकबर महाराणा प्रताप ने, इन दोनों ने अकबर की जो अधीनता है वो स्वीकार नहीं करी होती है। तो अकबर को मौका मिल जाता है कि वो किसी तरह चित्तौड़ पर दोबारा अटैक करे और उसको अपने कंट्रोल में ले। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि चित्तौड़ से, मतलब मेरा मतलब मेवाड़ से, चित्तौड़ तो उसके पास आ ही गया था 66 के अंदर, तो मेवाड़ से वो उसको अटैक करके वापस ले ले। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है, महाराणा प्रताप के बहुत ही एक उन्मुक्त शैली के आदमी थे, उनको फ्रीडम और अपनी जो वो ज़्यादा पसंद थी, तो वो क्या करते हैं अकबर को मना कर देते हैं कि मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तो अकबर क्या होता है, चार बार उनके पास एमिसरीज भेजते हैं, एमिसरी मतलब अपने दूत भेजते हैं उनसे बात करने के लिए कि भाई आप ना एक्सेप्ट कर लो मेरी सुप्रीमसी और उसके बाद आराम से इंडिया जहाँ जहाँ पे मैं बोलूँ वहाँ पे फाइट करिए और आपको बाहर कहीं से भी डर की जरूरत नहीं रहेगी। तो अकबर क्या होता है, अब ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये चारों किस ऑर्डर में आए थे ये आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जलाल खान को भेजता है 1572 के अंदर, फिर आपके मानसिंह जो जयपुर के राजा थे उनको भेजता है 1573 में, फिर भगवान दास को भेजता है जो मानसिंह के फादर होता है 1573 में दोबारा, और फिर आखिरी में राजा टोडरमल जो इसका अकाउंटेंट चीफ फाइनेंसर होता है उसको भेजता है 1573 के अंदर। तो ये चार जनों को अकबर बारी बारी से प्रताप को समझाने के लिए भेजता है कि भाई किसी तरह से वो मान जाए और अपनी इसमें एक्सेप्ट कर ले। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूज रही, न्यूज में हमेशा पढ़ते हैं, वो मानसिंह को भेजते हैं कि मानसिंह प्रताप को मनाने के लिए जाते हैं और कुंभलगढ़ मिलते हैं, प्रताप उनका आदर सत्कार करता है, बुलाता है, लेकिन उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाता है और उनसे मिलता भी नहीं है। तो मानसिंह को बड़ा गुस्सा आता है, तो अपनी राजपूती शान पे ले जाते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। इसीलिए प्रताप ने प्रताप के अगेंस्ट बैटल के अंदर मानसिंह को ही अकबर अपना कमांडर बना के भेजते हैं ताकि उनकी जो राइवलरी है वो बहुत ज्यादा बढ़ती रहे, ठीक है। तो ये और फायदा मिले अकबर को, तो ये सोचकर भी मानसिंह को बनाकर भेजते हैं। हालांकि मानसिंह में कैलिबर भी था, मैं ये नहीं कह रहा, नॉट अंडरमाइनिंग इस कैलिबर एट ऑल, बट उसका फायदा एक इमोशनल जो उसका जो फायदा अकबर उठाने की सोचते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज वो करता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़नी है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 की, इसकी पूरी डेट ध्यान रखिएगा आप, 18 जून 1576 की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी में अकबर अजमेर में आ जाते हैं 5 मार्च 1576 के अंदर, और ताकि आप देखो ये ध्यान रखना, अकबर का जो मैगजीन फोर्ट है अजमेर का, जिसको अभी आप हमने अजमेर फोर्ट नाम कर दिया है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि अकबर ने अपने जो हल्दी घाटी की बैटल थी, जो उसकी जो युद्ध हुआ था, उसकी रणनीति कहाँ बनाई थी, तो अजमेर के मैगजीन फोर्ट में, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। इसका नाम मैगजीन फोर्ट या अजमेर फोर्ट, अभी इसका नाम अजमेर फोर्ट कर दिया इस गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर उसने अजमेर के अंदर ही इसकी पूरी इसकी रणनीति बनाई थी और मानसिंह को अपने आर्मी का कमांडर डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम मुगल हिस्ट्री के अंदर जब किसी हिंदू को इतनी बड़ी आर्मी का कमांडर बनाया गया था, पहली बार ऐसा हुआ था, ठीक है। तो अब क्या होता है 1576 के अंदर अप्रैल में मानसिंह अपनी आर्मी को लेकर मेवाड़ के कूच के लिए निकल जाता है और मांडलगढ़ में रुकता है, और मांडलगढ़ में रुकने के बाद वो पहुंचता है खमनौर, हल्दी घाटी के पास, खमनौर की घाटी है वहां पर, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, थोड़ा आगे बढ़ के वो मोलेला में अपने खमनौर के पास मोलेला में कैंप लगाता है अपना, और प्रताप अपना कैंप लगाता है, वो लगाता है लोसिंग गांव के पास, लोसिंग, ये नाम ध्यान रखना, ठीक है। तो लोसिंग गांव मानसिंह राजसमंद के पास है वहां पर, तो लोसिंग गांव के बारे में पूछते हैं कहां पर, तो लोसिंग गांव का है राजसमंद के अंदर है, ये भी ध्यान रखिएगा, हल्दी घाटी भी राजसमंद के अंदर है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और जो मुगल जो आर्मी, तो उसका हरावल जो आगे अग्रभाग होता है, हरावल कहते हैं उसको, ये हिंदी के अंदर ही पूछते हैं कि किसी भी आर्मी के अग्रभाग को क्या जाता है, तो उसको हरावल कहा जाता है। तो हरावल को लीड कर रहा होता है सैयद हाशिम, और जो प्रताप होता है उसकी आर्मी को लीड कर रहा होता है हकीम खान सूरी। तो आप देख लीजिए मुगल रूलर अकबर, उसका कमांडर कौन था आपके मानसिंह, और एक हिंदू रूलर प्रताप, उसका कमांडर कौन था हकीम खान सूरी। तो ये आप जो जो सेक्युलरिज्म की बात है यहाँ पर आकर पूरी फ्लॉप हो जाती है। तो देखिए दो कितना जबरदस्त सेक्युलरिज्म चल रहा था यहाँ, और ये इसके हरावल को कमांड कर रहा था आगे सबसे अग्रभाग को। और 1576-18 जून को ये बैटल शुरू होती है। पूरी की पूरी डेट ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, यू शुडंट मिस इट। तो डेट एग्जैक्टली पूछी जा सकती है एग्जाम पेपर के अंदर। चलिए अब राणा प्रताप अपने फेमस घोड़े चेतक के ऊपर लड़ाई कर रहे होते हैं, और मानसिंह अपना हाथी मर्दाना
एक कुछ कुछ एक एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए मैं लिख देता हूँ। हालांकि ये आरएस एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये कई बार क्या होती है, चीज पूछी जाती है। तो मर्दाना हाथी उसका होता है, तो मर्दाना में वो क्या कहते हैं लड़ाई कर होता है। और प्रताप के भी दोनों हाथी लूणा और राम प्रसाद, ये बहुत है ना, सबसे फेमस हाथी था प्रताप का राम प्रसाद। और इनफैक्ट अकबर ने जब मानसिंह को नहीं, जब जलाल खान को भेजा था संधि करने के लिए प्रताप के साथ, तो प्रताप के लिए कहलवाया था अकबर ने कि आप संधि कर लो और अपना जो फेमस हाथी राम प्रसाद वो जलाल खान के हाथ मेरे पास भिजवा दो, क्योंकि अकबर को हाथियों का बहुत शौक था और उसको जंगी हाथियों को जो चैलेंज करना और उनको कंट्रोल करने का बड़ा उसको मजा आ रहा था इस चीज के। आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, तो हाथियों का बहुत शौक था उसको। तो होता क्या है कि इस बैटल के अंदर मानसिंह क्या होता है, लेकिन बैटल हल्दी घाटी में अकबर का ये जो हाथी, जो मानसिंह का जो प्रताप का हाथी था राम प्रसाद, उसको अकबर क्या वो क्या मानसिंह कंट्रोल में कर लेता है और अकबर को गिफ्ट कर देता है, और अकबर इसका नाम पीर प्रसाद दोबारा रख देता है, पीर प्रसाद। ठीक है, राम प्रसाद का नाम अकबर को मिल जाता है इस बैटल के बाद। तो क्योंकि अधिक कई जगह मिलता है ये कि बैटल प्रताप ने जीती, कई जगह जानकारी मिलती है कि बैटल आपके अकबर ने जीती। लेकिन देखिए बेसिक स्टफ ये है, माना ये जाएगा आपसे, आप पूछा जाए कि बैटल ऑफ हल्दीघाटी का रिजल्ट क्या था, तो आप ये बताइएगा कि बैटल ऑफ हल्दीघाटी का रिजल्ट था अनडिसाइसिव। ठीक है, इनडिसाइसिव था, कहीं पता नहीं चला कौन जीता, हम कुछ पक्के उससे कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, तो बैटल के दौरान क्या होता है, प्रताप को थोड़ी चोट लग जाती है ज्यादा, और जब प्रताप को जख्मी देखते हैं तो वो थोड़ा, तो झाला बीदा जो होता है बड़ी सादरी का जो राजा था, जो राव था झाला बीदा, वो प्रताप की जगह ले लेता है और प्रताप को युद्ध से बाहर निकाल के भेज देता है। और प्रताप क्या होता है पहाड़ों, गिरवा के पहाड़ों की तरफ, ये गिरवा हिल्स की तरफ ना प्रताप निकल जाते हैं उस तरफ। ठीक है, क्योंकि प्रताप का बचना ज्यादा जरूरी था, प्रताप कैप्चर हो जाते तो वो बैटल ही हार जाते हैं। तो प्रताप देखिए हुआ भी क्या था बैटल में एग्जैक्टली आपको बताऊं, तो जब बैटल ऑफ हल्दीघाटी शुरू हुई थी तो ये अकबर की सेना हार रही थी, क्योंकि प्रताप बहुत बुरी तरह इनके ऊपर टूट पड़े थे और एक तरफ बुरी तरह खदेड़ दिया गया था। तो जो ये आपके सईद हाशमी था, जो उसका हरावल को जो चला रहा था आपके अकबर के, तो उसने क्या किया, एक रूमर फैला दिया कि अकबर पीछे से आ रहा है, बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहा है। तो इसकी वजह से राजपूत सेना के अंदर भगदड़ मच गई थी। तो एक मिस इन्फॉर्मेशन फ्लोट कर दी थी उसने, जिसकी वजह से क्या होता है, एक बार एकदम से वो जब भगदड़ मच जाती है तो फिर इट कैन गो ईदर वेज, और वो प्रताप की सेना के लिए थोड़ा नेगेटिव हो गया, ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड कि ऐसा कुछ एक इस तरह की चीज आ जाएगी बीच में। ठीक है, वो उसका भी एक वो आप कहते हैं एक फॉल्ट पॉइंट कह लीजिए, बट वो प्रॉब्लम इस तरह से वो हारने लग गए और बाद में वो निकलना पड़ा उनको बैटल से। अब क्या होता है, जब चेतक की जो डेथ होती है तो वो बलीचा के अंदर होती है, बलीचा जहाँ पर आपके आया उदयपुर बना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आया उदयपुर इधर बलीचा में बना हुआ है हल्दीघाटी के पास, और हल्दीघाटी कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान रख के चलिएगा। ठीक है, तो ये पूछते हैं हल्दीघाटी कहाँ पर है, खमनौर, खमनौर राजसमंद हल्दीघाटी एक ही बात है। तो ये इस तरह की सारी चीजें ध्यान रखिएगा। अब हल्दीघाटी के अंदर झाला बीदा जो आपको मैंने बताया, और मानसिंह सोनगरा, जेमल मेढतिया का लड़का रामदास, तो ये सारे आप नाम देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए बाई चांस 10 नंबर का, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू, 5 नंबर में भी जरूरत नहीं है आपको लिखने की। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और अब्दुल कादिर बदायूनी जो हिस्टोरियन था वो इस बैटल में मौजूद था। ठीक है, मानसिंह के साथ आया हुआ था, उसने आंखों देखे अपनी जो बैटल का हाल लिखा है, उसने किताब लिखी है मुंतखाबुल तवारीख, तो ये बुक का नाम ध्यान रखिएगा, राइटर का नाम ध्यान रखिएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी, और उसने किताब लिखी मुंतखाबुल तवारीख, उसके अंदर बताया इस बैटल के बारे में, हल्दीघाटी के बारे में। लेकिन उसने इस बैटल का नाम बैटल ऑफ गोगुंदा रखा है। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि भाई किस हिस्टोरियन ने हल्दीघाटी की युद्ध को बैटल ऑफ गोगुंदा कहा है, तो वो कहा है आपके बदायूनी ने। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि किस हिस्टोरियन ने हल्दीघाटी की बैटल को बैटल ऑफ खमनौर कहा है, तो वो कहा है आपके अबुल फजल ने। तो बल्दी बैटल ऑफ हल्दीघाटी के 3 नाम हो गए, हल्दीघाटी, ठीक है, दूसरा गोगुंदा जो आपके कहा है अब्दुल कादिर बदायूनी ने, तीसरा खमनौर जो आपके अबुल फजल ने कहा है। तो इन 3 लोगों के बैटल के नाम ध्यान रखना। चौथा आपके कर्नल जेम्स चोड, ये आराम से ध्यान हो जाता है, उसने इसको मेवाड़ की थर्मोफिली, तो थर्मोफिली ऑफ मेवाड़, थर्मोफिली एक्चुअली एक ग्रीक उससे वॉर से लिया हुआ है बैटल से, क्योंकि अगर आप देखें तो हल्दीघाटी जो एक्चुअल में है वो बहुत एक पतली सी लेन है, नैरो सी लेन है। ठीक है, तो और दोनों तरफ एक तरफ खाई है एक तरफ पहाड़ है पूरे, तो यहाँ पर हल्दीघाटी की बैटल होती है। और अगर आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी 300, अगर किसी ने देखी है, तो जिसके अंदर वो स्पार्टा की लड़ाई होती है उसके साथ, आपके जर्क्सीज के साथ, स्पार्टा वर्सेस जर्क्सीज, XERXES, तो जर्क्सीज की लड़ाई होती है जिसके अंदर आपके स्पार्टा से लियोनाइडस जो लड़ रहा होता है, ठीक है, बहुत सारी स्पूफ मूवीज भी बनी है इसके ऊपर, तो लियोनाइडस जब लड़ रहा होता है तो वो इसी तरह की बैटल होती है थर्मोफिली, जिसमें आपने देखा होगा कि वो दोनों तरफ एक वो माउंट बना देता है और क्या कहते हैं लाशों के, तो उसी तरह की, तो इसको बैटल ऑफ थर्मोफिली से कंपेयर किया जेम्स चोड ने। तो ये आप ध्यान रखिएगा, थर्मोफिली का हिस्ट्री है बताइए आपको थोड़ी सी मैंने। ठीक है, अब आपके जो अब कई जगह जो कई प्रशस्ति से राज प्रशस्ति है
उसके अलावा आपके राजविलास प्रशस्ति है या जग मंदिर, जगदीश मंदिर है, जग मंदिर प्रशस्ति है, तो वहां पर प्रताप का विक्टोरियस माना गया है बैटल ऑफ हल्दीघाटी के अंदर। बाकी कई हिस्टोरियंस जो है, जो हमारी हिस्ट्री बुक्स हैं, वो बोलती हैं कि अकबर जीता था। लेकिन देखिए, अगर आप देखा जाए तो अकबर की जीत तब मानी जाती जब या तो उसको कुंभलगढ़ मिल जाता या उसको प्रताप मिल जाता जिंदा या मुर्दा, दोनों ही चीजें नहीं हुई, ठीक है। तो इसलिए अकबर की जीत हम ऐसे नहीं मानते हैं, और प्रताप को इसलिए नहीं बोल सकते कि प्रताप भी ना तो मानसिंह को पूरी तरह खदेड़ पाया और उसको खुद को भी मजबूरी में निकलना पड़ा बैटल से, तो प्रताप की जीत भी नहीं मान सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपसे अभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई बैटल ऑफ हल्दीघाटी के बारे में डिस्क्राइब करो, तो आप जरूर से मेंशन करिए कि दैट वाज एन इनडिसाइसिव बैटल, ठीक है, नोबडी टर्न आउट विक्टोरियस, कोई भी हम नहीं कह सकते निश्चित तौर पर कि कौन जीता था। यही आपकी अप्रोच मेंस में होनी चाहिए, और जब आंसर लिखे चाहे दो का है, चाहे पांच का है, चाहे दस का है, तो आपको डिटेल, आपको डिटेल मैंने आपको पूरी दे दी, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना कि दो में क्या क्या लिखना है, पांच में क्या क्या लिखना है, दस में क्या लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख के चलिएगा। चलिए, इसके बाद आपके आती है बैटल ऑफ कुंभलगढ़। तो जब ये बैटल इंडिसाइसिव रहती है तो 1577 के अंदर दोबारा से अकबर को अपनी एक आर्मी भेजता है शाहबाज खान के नेतृत्व में, जो उसका कमांडर होता है, सेनापति बनता है, ठीक है। और वे और एक चीज और की है ना, अकबर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है आपके मानसिंह से जब वो इस बैटल में प्रताप को नहीं हरा पाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जीतने वाली स्थिति में होता है मानसिंह, और उसके बाद वापस से वो प्रताप को निकल जाने देता है, पकड़ नहीं पाता उसको। तो अकबर बहुत ज्यादा उससे गुस्सा होता है और उसको फिर वो रोशनाइयों के पास और ये अफगानिस्तान पे भेज देता है अकबर चिढ़ने के बाद। तो जब हम मानसिंह पढ़ेंगे तब आपको मैं वहां पर से ये चीज लिंक करवा दूंगा। और अकबर फिर मानसिंह को अफगानिस्तान और इधर काबुल की तरफ भेज देता है कि, और अब आमेर से बहुत दूर, ठीक है। तो एक गुस्से के मारे, चिड़ के मारे वहां पर भेज देते हैं। चलिए, खैर, और वो कहानी क्या होती है पूरी, वो हम मानसिंह के टाइम पर डिस्कस करेंगे पूरी चीज। तो अब क्या होता है, जब शाहबाज खान को भेज देते हैं और महाराणा, जब ये बात पता लगती है आपके महाराणा प्रताप को, तो फिर वो कुंभलगढ़ का फोर्ट छोड़ देते हैं भान सोनगरा के पास और वहां से निकल जाते हैं, ठीक है। और भान सोनगरा भी हार जाता है, और क्या कहते हैं आपके महाराणा, क्या कहते हैं ये अपना 1578 की बैटल जो होती है कुंभलगढ़ के अंदर, उसके अंदर प्रताप की फिर से हार होती है और शाहबाज खान जीत जाता है, ठीक है। और ये अपनी एक ये फोर्ट है ना, गाजी खान को सौंप देता है, क्या नाम है इसका, शाहबाज खान, और वापस निकल जाता है दिल्ली की तरफ, ठीक है। और लेकिन जैसे ही आपके ये वापस निकलता है, तो अकबर, क्या कहते हैं, महाराणा प्रताप दोबारा से अटैक करते हैं शाहबाज खान की आर्मी के ऊपर, जो ये जो गाजी खान उस टाइम पे रूल कर रहा होता है आपके गोगुंदा को, और वापस रिकैप्चर कर लेते हैं गोगुंदा को। तो दोबारा से गोगुंदा उनको वापस मिल जाता है प्रताप को। और इसके चक्कर में अब देखो, क्योंकि प्रताप को ये चीज समझ में आ गई थी कि अगर उनको लड़ना है तो उनको गुरिला वॉरफेयर से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। जो छापा मार पद्धति होती है ना, गुरिला, GURRIELLA, गुरिला वॉरफेयर से उनको लड़ना पड़ेगा, तो ये चीज उसको समझ में आ गई थी। तो इसीलिए उन्होंने, क्योंकि अकबर के पास बहुत बड़ी आर्मी थी, तो हेड टू हेड फाइट करने का कोई फायदा नहीं था, बेवकूफी थी, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने इस चीज इस तरीके को अपनाया। तो एक्चुअल में आप इनको हार तो नहीं कहेंगे, बट ही वॉज टेकिंग अ स्टेप बैक टू मूव फॉरवर्ड, ये कह सकते हो आप। जैसे शेर जब शिकार करता है तो एक कदम पीछे लेके फिर लंबी जंप मारता है, तो वही चीज प्रताप कर रहे थे धीरे धीरे, ठीक है। तो शाहबाज खान को दोबारा मेवाड़ पे भेजा गया, तो राणा प्रताप वापस पहाड़ों के अंदर जाचे पे कि दोबारा से अगर आप पहाड़ों की तरफ युद्ध को लेकर जाएं गीरवा हिल्स के अंदर, और गीरवा की टेरेन मुझे बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो गीरवा पहाड़ों के अंदर लेके जाके लड़ाई करते हैं, लेकिन वहां पर शाहबाज खान जाता नहीं, और जैसे शाहबाज खान वहां से निकलता है दोबारा टेक ओवर कर लेते हैं। 1579 में शाहबाज खान दोबारा फतेहपुर सीकरी निकल गया, और प्रताप ने दोबारा से मुगल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, और पूरी मुगल जो सिस्टम था उसको पूरा तहस नहस कर दिया, बार बार लूट मार करते, छापे मारते, तो सिस्टम जो पूरा मुगल्स का पूरा फेल कर दिया उन्होंने। फिर वहां पर लोगों का लोकल सपोर्ट भी प्रताप को मिला हुआ था, ठीक है। तो आप देख लीजिए, पूरी तरह से फेल करने के बाद वापस से 1580 के अंदर आपके शाहबाज खान को वापस बुला लिया गया, क्या कहते हैं, मेवाड़ से। और फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बैटल होती है वो आपके दिवेर की होगी आगे जाकर। अब प्रताप क्या होते हैं, चूलिया गांव के अंदर रहने लग जाते हैं, जब तक वहां पर शाहबाज खान वहां पर रह रहा था, और उनकी यहां पर मुलाकात होती है भामाशाह से। तो भामाशाह जो सेठ था उसकी मुलाकात यहां पर होती है, और उसका भाई ताराचंद, ये ओसवाल जाति के बनिए थे, उनसे इनकी मुलाकात होती है। और भामाशाह अपना जितनी भी पोजेशंस होती हैं वो सारे के सारे, जैसे 20,000 स्वर्ण मुद्रा वगैरह, वो राणा प्रताप को दे देता है, ताकि, और इसीलिए इसको भामाशाह का नाम बड़े आदर से लिया जाता है, क्योंकि भामाशाह ने पूरा का पूरा फाइनेंस कर दिया था इनका, जो बैटल थी पूरी पूरी फाइनेंस कर दी थी एक तरह से, और इसीलिए जो भामाशाह अवार्ड दिया जाता है। हालांकि भामाशाह अवार्ड आपको दिया जाता है लिटरेचर के फील्ड में आजकल, पर तो ये तो ध्यान रखिएगा, लेकिन अब जो अब वो अब करंट सिनेरियो के अंदर है, लेकिन पहले भामाशाह वही आदमी जिसने अपना पूरा धन दौलत समाज सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दी थी, तो इसलिए भामाशाह अवार्ड भी बनाया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, अब्दुल रहीम खाने खाना को अपना नया वो सेनापति बनाकर, सूबेदार बनाकर, अजमेर का जो सूबेदार था उसको मेवाड़ कैंपेन के लिए अकबर भेजता है, ठीक है।
लेकिन लेकिन होता क्या है, जब अब्दुल रहीम खाने खाना मेवाड़ की तरफ आ रहा होता है तो अपनी फैमिली को शेरपुर के किले में रख देता है, ठीक है, शेरपुर जो बारा के पास है वहां पर शेरपुर किले के अंदर उसको रख देता है। अब जब ये खबर मिलती है आपके कुंवर अमर सिंह को, जो आपके महाराणा प्रताप के पुत्र होते हैं, तो वो क्या करते हैं, शेरपुर पर अटैक करते हैं और आपके अब्दुल रहीम की पत्नी को और उनके पूरे परिवार को बंदी बना लेते हैं, उसकी बेगम वगैरह सबको। तो इसकी वजह से अब्दुल रहीम खाने खाना ढीला पड़ जाता है। लेकिन जब प्रताप को बात पता लगती है कि इसने ऐसा किया है, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है और अमर सिंह को बोलता है कि नहीं, सम्मान के साथ अब्दुल रहीम खाने खाना की पत्नियों को और उनके जो पुत्र वगैरह उन सबको वापस पहुंचा के आओ। तो ये अखबार ये बताता है कि प्रताप कितना एक बड़े ब्रॉड हार्टेड और ब्रॉड माइंडेड रूलर था। वो एक लड़ाई करते थे जब भी, बहुत ज्यादा एक उसूलों के साथ लड़ते, तो ये चीज़ उनको पता लगती है। तो इसकी वजह से फिर अब्दुल रहीम खाने खाना बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते। अब क्या होता है, जो फाइनल डिसाइसिव बैटल होती है वो होती है बैटल ऑफ दिबेर, जो प्रताप फाइनली जीतते हैं और जिसकी वजह से इसको मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है और फाइनली अकबर फिर बिल्कुल पीछे हट जाते हैं। तो जो बैटल ऑफ दिवेर जब प्रताप शुरू करते हैं तो उनका पूरा पूरा आइडिया था कि मुझे स्वतंत्र करवाना है मेवाड़ को, तो मेवाड़ को स्वतंत्र करवाने के लिए बैटल ऑफ दिवेर शुरू करते हैं और कर्नल जेम्स चोड ने इसी को मेवाड़ का मैराथन कहा है, ठीक है। इस बैटल के बैटल वो जीत जाते हैं पूरी तरह से, ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना वगैरह सबको हराकर बैटल ऑफ दिवेर प्रताप आराम से जीत जाते हैं और फाइनल होता है। और इसके बाद चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं, क्योंकि चावंड क्या है, बहुत ज्यादा सेफ सिक्योर जगह दिखती है उनको उस वक्त, गीरवा की पहाड़ियों के बीच में था इसीलिए। और यहाँ पर उन्होंने चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि चामुंडा माता का मंदिर किस रूलर ने बनवाया, तो वो आपके महाराणा प्रताप ने बनवाया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1585 के अंदर जब कैपिटल बनाते हैं, और प्रताप की कैपिटल 12 साल तक ये रही थी, 1597 प्रताप की डेथ होने तक, 1597 तक ये प्रताप की कैपिटल रही थी चावंड। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, जो सारे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारे आपको बता के चल रहा हूँ, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा उन सबको। अब क्या होता है, और ज्यादातर हिस्सा जो था चित्तौड़ और मांडलगढ़ के अलावा, पूरा उदयपुर कुंभलगढ़ वगैरह सब कुछ प्रताप को वापस मिल जाता है। चित्तौड़ और मांडलगढ़ के अलावा ये दो फोर्ट उनको नहीं मिल पाते अंत तक, और बाकी सारे फोर्ट उनको मिल जाते हैं राणा प्रताप को, लड़के छोटे छोटे लड़ के आसपास से अटैक करके वो पूरा चीजें खींच लाते हैं। अब अकबर को लेकिन इन सबके बड़ा गुस्सा आता है, बड़ी खुंदक आती है, और वो प्रताप के अगेंस्ट में दोबारा से जगन्नाथ कछवाहा, जो कछवाहा रूलर थे, उनको भेजता है, लेकिन वो भी हार जाते हैं। तो फिर ये अकबर का लास्ट मिलिट्री कैंपेन था। जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने अपना लास्ट जो सेना सैनिक अभियान था जो प्रताप के अगेंस्ट भेजा था, वो किसके नेतृत्व में, किसके कमांड के भी अंदर भेजा था, तो वो भेजा जगन्नाथ कछवाहा के कमांड के अंदर। तो ये आप ध्यान रख के चलना, जगन्नाथ कछवाहा जो रूलर थे उसके कमांड के अंदर उन्होंने प्रताप को हराने के लिए अकबर ने कैंपेन भेजा था, लेकिन ये भी प्रताप को नहीं हरा पाता है, ठीक है। इसके बाद प्रताप ने आराम से अपनी मृत्यु तक, जब चावंड की मृत्यु थी 1597 के अंदर, तब तक आराम से रूल करते हैं। और क्या कहते हैं, जहाँ पर उनकी डेथ होती है प्रताप की चावंड में ही, और उनकी जो छतरी है वो बाड़ोली गांव के अंदर बनाई हुई है, ठीक है, चावंड की मृत्यु होती है। और प्रताप की मृत्यु बड़ी ही एक अनकॉमन सर्कमस्टांसेस में होती है, वो धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा रहे होते हैं, उनका जो बो होता है उसके ऊपर, ट्राइंग दी स्ट्रिंग टू हिज बो, तो वो प्रत्यंचा चढ़ा रहे होते हैं पर बहुत जोर से धनुष को बेंड करते हैं, तो उनके पेट की नसें फट जाती हैं, आंतड़ियां फट जाती है, मतलब जहाँ से उनकी इंटेस्टाइन फट जाती है, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो बहुत ही एक बहुत ही एक वेदर वाली तो मौत नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि उनके लिए बहुत ही सिंपल सी होती, तो वो होती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है, इंसेंसेस मिलते हैं कुछ बुक्स वगैरह के अंदर, कि जब अकबर को पता लगता है कि मेरा महाराणा प्रताप की डेथ हो गई है, तो अकबर के मुंह से एक अनायास एक वो चीज़ निकल जाती है कि गुहिलोत राणा जीतो अकबर हारो, ठीक है। तो अकबर क्योंकि गुहिल वंश के थे, तो ये इसीलिए गुहिलोत राणा जीता, इसका मतलब ये हुआ गुहिलोत राणा जीत्यो, ठीक है, अकबर हारो, ये अकबर के मुंह से निकल जाता है, ठीक है। ऐसे इंसेंसेस मिलते हैं, हिस्टोरियंस बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अकबर के मुंह से निकलते हैं जब ये चीज उनको पता लगती है कि महाराणा प्रताप की डेथ हो गई है। चलिए अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हल्दीघाटी के बैटल के बाद दिवेर हल्दीघाटी 2 और 5 में पूछे जा सकते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जा सकती है, वो महाराणा प्रताप के ने आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या काम किया था, क्योंकि ज्यादातर समय उनका जो वो था वो मुगल से पंगा लड़ाइयां करने को सॉल्व करने में, और जो उनके पंगे चल रहे थे उनके वो खत्म करने में बीत रहा होता है। तो उन्होंने आर्ट एंड कल्चर, देखिए जो मेन से क्वेश्चन हमेशा से आएंगे और जो प्री में खास क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा आर्ट एंड कल्चर इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। तो आप आर्ट एंड कल्चर वाले जो रूलर्स हैं हमेशा ढंग से पढ़ के चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो अब ऐसा जो चीज़ें जो प्रताप के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला था इनको, 10-12 साल ही शांति से रूल कर पाए थे चावंड के अंदर रहते हुए, तो वहाँ पर क्या होता है, जो उन्होंने काम करवाए थे वो ये थी, उन्होंने कई सारी बिल्डिंग्स बनवाई थी और टेम्पल्स बनवाए थे चावंड के अंदर, जो प्रताप ने बहुत सारे डोनेशन दिए थे, बहुत चैरिटी किया था इन्होंने उस चीज़ के लिए, एक चीज़ ये।
दूसरा चक्रपाणि मिश्र जो इनके कोर्ट के अंदर रहा करते थे, जो राइटर थे, उन्होंने तीन संस्कृत टेक्स्ट लिखे थे, एक राज्याभिषेक पद्धति, एक मुहूर्तमाला और एक विश्ववल्लभ। तो ये तीन इन्होंने किताबें लिखी थी जब ये इनके कोर्ट में रहा करते थे, ठीक है, चावंड के अंदर। प्रताप के टाइम पर कई सारी कविता संग्रह भी बनाए गए थे, बुक्स ऑन पोएट्री, जैसे गोरा बादल कथा और पद्मिनी चौपाई, जिसके जिसके लेखक थे हेमरत्न सूरी, ये एक जैन मंक थे, उन्होंने लिखा था। और इसके लिए इनकी इंस्पिरेशन मतलब यहाँ पर है पैसे से, तो इसकी इंस्पिरेशन दी थी इनको भामाशाह के भाई ताराचंद ने, जो आपको मैंने पहले बताया था, दो भाई थे भामा, ओसवाल जो बनिए थे ये, ठीक है। इसके अलावा जो चारण कवि था, रामा संधु और माला संधु, दो कवि थे, वो हमेशा प्रताप की आर्मी के साथ ही कैंपिंग करते थे, मतलब जहाँ भी प्रताप जाया करते थे, जिस भी युद्ध में रहे मौजूद हमेशा, तो ये दोनों भाई मौजूद रहे, चारण जो गांव थे, तो ये उनकी सेना का वो बढ़ाने के लिए, मान बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए हमेशा कविताएं बनाया करते थे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत फेमस पेंटर था नसीरुद्दीन निसारदी, ये दो बार पूछा जा चुका है, 2016 के अंदर आर एस प्री के अंदर पूछा गया है, 2018 आर एस प्री के अंदर पूछा गया है कि कौन सी शैली का वो था, तो मेवाड़ शैली का चित्रकार था ये, तो चावंड के अंदर प्रताप के टाइम पर ही था ये मौजूद, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो बार लगातार पूछा जा चुका है। चलिए, इसके अलावा अब जो क्वेश्चन बनता है हमेशा से, वो आपके लिए पूछते हैं कि प्रताप से के जीवन से रिलेटेड कौन कौन सी आपके हिस्टोरिकल साइट्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ साइट्स हैं जो 2 और 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इनको एक तरह कंपाइल कर दिया है इसमें कुछ, तो जो भी पूछे जाएंगे आप सारे आराम से बता पाएंगे। तो सबसे पहले पूछते हैं गोगुंदा, तो गोगुंदा जो है वो आपके उदयपुर से करीब करीब 22 माइल यानी कि आप मान लीजिए करीब 45 किलोमीटर के आसपास है, चातुर्दिक पहाड़ियों के बीच में जगह है गोगुंदा। और ये एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चेक पोस्ट है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ी है तो अटैक करना आसान नहीं है, सरप्राइज अटैक नहीं हो पाता यहाँ पर, ठीक है। और ये मेवाड़ की एक तरह से दूसरी कैपिटल थी चित्तौड़ के बाद, ठीक है। तो दिस विलेज वॉज मेड द सेकंड कैपिटल ऑफ मेवाड़ बाय महाराणा उदय सिंह आफ्टर चित्तौड़, तो उदय सिंह ने चित्तौड़ के बाद इसे दूसरी कैपिटल बना रखा था सिक्योरिटी के पर्पज से। अब मानसिंह ने अपनी आर्मी को बैटल हल्दी घाटी के लिए यहीं पर स्टेशन किया था, जो प्रताप निकल गए थे हल्दी घाटी के बैटल के बाद, तो मानसिंह ने कब्जा कर लिया था गोगुंदा पर, वो यहीं पर सेटल किया था, बाद में गोगुंदा उन्होंने वापस छीन लिया था प्रताप ने, ठीक है। उदय सिंह की जो जब उनको मृत्यु हुई थी तो उनको जो जलाया गया था वो भी इसी नदी के पास, बेड़ा नदी उसके पास में गोगुंदा के अंदर, वहाँ उनको जलाया गया था। और महादेव बावड़ी जो गोगुंदा की दूसरी तरफ है, उदय सिंह का क्या कहते हैं, जब दाह संस्कार हो चुका था तो महाराणा प्रताप का जो राजतिलक किया गया था वो पहले गोगुंदा में होता, उसके बाद कुंभलगढ़ के अंदर किया गया था, तो वो सारा राजतिलक इसी बावड़ी के अंदर, महादेव बावड़ी के अंदर किया गया था जो गोगुंदा के अंदर मौजूद है, ठीक है। और बाद में ये चीज भी की ऑफिशियली उनको कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर, जो मैंने राजमहल की क्रांति बताई आपको स्टार्टिंग में क्लास से पहले, वो यही थी कि जब इनका पहला जो वो हुआ था राजतिलक, वो गोगुंदा के अंदर महादेव बावड़ी के हुआ था, जब उन्होंने जब जाके सामंतों ने सबने बोला था कि इनको हम ऐसे ही वहां पर लेकर राजा बनाएंगे, और जो ऑफिशियल हुआ था उनका कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर हुआ था कोरोनेशन, ठीक है। चलिए, अब एक जगह आती है दूसरी मायरा, ठीक है। और मायरा एक ये गोगुंदा के जो पूर्वी पहाड़ी है उनको कहा जाता है लाम, वहां पर है, ठीक है मायरा। अब एक मायरा एक तरह से के गुफा का नाम है, और ये गुफा एक आप ये समझ लीजिए हल्दी घाटी की बैटल के बाद मायरा को यूज करा जाता था अपने जो साजो सामान था, जो हथियार थे, जो आपके भाले तलवार और ये सब चीजें थी उनको रखने के लिए अर्सेनल बनाया जाता था वहां पर, ठीक है। तो अर्सेनल के तौर पर मेवाड़ में यूज किया गया था। और मेवाड़ की जो महाराणा प्रताप थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर जब यूज करते थे तो वो यहीं से यूज करना शुरू करते थे, ठीक है। और ये बहुत ही एक सेफ केव था, स्ट्रेटेजिकली बहुत ही एक सेफ्टी पे लोकेटेड था, और यहाँ पर इसको सरप्राइज अटैक बिल्कुल मुश्किल था, नामुमकिन सा था, यहाँ पर सरप्राइज अटैक आप कर ही नहीं सकते थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इसके बारे में। इसके बाद आपके होती है हल्दी घाटी जगह। अब हल्दी घाटी में बैटल तो आप बता ही देंगे, लेकिन ये बताना मत भूलिएगा राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो पूछते प्री के अंदर सवाल बनता है ये। और यहाँ पर मुगल एम्परर का जो है आपके कमांडर मानसिंह था इस बैटल के अंदर, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि अकबर और महाराणा प्रताप अपने जीवन काल में कभी भी एक दूसरे के सामने डायरेक्टली नहीं आए नहीं कभी, मतलब वो कभी भी उनकी मुलाकात आपस में नहीं हुई। और वो इसीलिए कि जब मानसिंह ने सबसे पहले जब वॉर हुआ था हल्दी घाटी तो मानसिंह आया था, उसके बाद शहबाज खान आया था, फिर अब्दुल रहीम खाने खाना वगैरह आए थे, तो अकबर और आपके ये महाराणा प्रताप ये दोनों एक साथ कभी भी आमने सामने लड़ाई के लिए इकट्ठा हुआ ही नहीं। तो इतनी जो कॉमन जो इतनी फियर्स राइवलरी बताई जाती है उसका एक्चुअल बात यह है कि दोनों कभी एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ पाए। चलिए, तीसरी आपके मोती मगरी जो फोटोग्राफ मैंने दिखाई थी चेतक के ऊपर महाराणा प्रताप सवार है, वो मोती मगरी की है। तो ये एक मेमोरियल है प्रताप का, जहाँ पर प्रताप का और आपके चेतक का दोनों का मेमोरियल भी वहीं पर है, ठीक है। जो फतेह सागर जो रिवर लेक है उसके मुहाने पर बना हुआ है, ठीक है। और मोती मगरी उदयपुर का सबसे ऊंचा पहाड़ी है,
हाईएस्ट हिल हिंदी उदयपुर मोती मगरी, ठीक है। प्रताप ने अपने जवानी के या कुछ बचपन के काफी सारे दिन यहाँ, काफी सारे साल यहाँ पर बिताए थे इस एरिया के अंदर, और आज भी वहां पर जो महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह ने जो महल बनवा रखे थे उसकी रुई खंडर वहां पर मौजूद है साथ है। और साथ ही इसी के सामने प्रताप का एक बहुत बड़ा सा ब्रॉन्ज मेटल का स्टैचू बना हुआ है, जो मैं आपको दिखाया था फर्स्ट फोटोग्राफ के अंदर प्रताप के साथ, तो वो वहां पर बना हुआ है, ठीक, चेतक के ऊपर सटे हुए बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद जो आपके आता है कुंभलगढ़, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और महाराणा प्रताप ने अपनी कैपिटल गोगुंदा से कुंभलगढ़ शिफ्ट कर दी थी फिर 1576 में बैटल ऑफ हल्दीघाटी के टाइम पर, जो सिक्योरिटी के पर्पज से। और कुंभलगढ़ बहुत एक इनएक्सेसिबल फोर्ट है, कुंभलगढ़ के बारे में आपको पहले भी बता रखा था, फोटो भी दिखाई थी आपको कि एक साथ छह उसके ऊपर घोड़े चल सकते हैं, तो वो इतनी बड़ी प्राचीर है उसकी। एट्रुस्कन फोर्ट जो कल ही डिस्कस किया था मैंने आप लोगों से, उससे कंपेयर किया था जेम्स टोड ने, ठीक है, ये भी राजसमंद के अंदर है जगह है, ठीक है। इसके अलावा मुगल्स ने जब 1578 के अंदर इसके ऊपर कब्जा कर लिया था प्रताप को हराने के बाद, ठीक है, लेकिन प्रताप ने कुछ ही महीनों बाद इसको दोबारा प्राप्त कर लिया था कुंभलगढ़ को। और कुंभलगढ़ फोर्ट जो आपको स्टार्टिंग बताया था कुंभा ने बनवाया था 1443 के अंदर, और मेवाड़ और मारवाड़ के बॉर्डर पर मौजूद है, तो एक स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पर मौजूद है कुंभलगढ़ फोर्ट, मेवाड़ मारवाड़ के बॉर्डर पर। चलिए अब आपके आता है उदय सागर झील, जो उदयपुर महाराणा उदय सिंह ने बसाई थी जब वो उदयपुर बसाने आए थे 1559 के अंदर, ठीक है। तो ये जो लेक है ये करीब करीब उदयपुर से 8 माइल का आप मान लीजिए, करीब 15-16 किलोमीटर पूर्व में उदयपुर से मौजूद है, और यहाँ पर आपके प्रताप के फादर जो उदय सिंह थे उसने बनवाया था। और ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर बैटल ऑफ हल्दीघाटी से पहले अमर सिंह जो राणा प्रताप के पुत्र थे और मान सिंह जो अकबर का कमांडर था उनके बीच में एक बहुत जबरदस्त तूतूमैम हुई थी, बहुत एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ था इनके दोनों के बीच के अंदर, ठीक है। तो ये हीटेड आर्ग्यूमेंट जो हुआ था वो उसके बाद ही बैटल ऑफ हल्दीघाटी की पूरी भूमिका मान दी गई थी यहाँ पर। तो ये आप कह सकते हो जब आप अमर सिंह ने बहुत कोसा था इसको कि तुम एक राजपूत होकर और अकबर के साथ युद्ध करने आ रहे हो, इस तरह की पूरी कहानी बताई गई थी, ठीक है। तो ये पूरी चीज आप समझ सकते हो। चलिए इसके बाद जो जगह आती है वो मचीन, ठीक है, मचीन आप जो भी नाम से जानना चाहे जान सकते हो, ये भी राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और यहाँ पर ये आपके जो मत्स्येंद्र नाथ, एक नाथ संप्रदाय के मुनि थे, उनकी तपोभूमि थी, तो पेनेंस साइट कह लीजिए, तपोभूमि थी इनकी मत्स्येंद्र नाथ की, ठीक है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी गुफा है, और ये गुफा क्या होती है, ये दोनों तरफ से खुलती है, एग्जिट फ्रॉम बोथ साइड, तो इसलिए बहुत ही एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन की जगह है ये। और यहाँ पर आप कह सकते हो 4-5 मील लंबी, यानी करीब 10 किलोमीटर लंबी गुफा है ये, ठीक है। और राणा प्रताप की पूरी जो सेना थी उसने वो यहीं पर आकर उसने छुपी थी जब हल्दीघाटी के टाइम पे अटैक चल रहा था मुगल्स के साथ, उनका मुगल इन्वेजन से बचने के लिए पूरी पूरी जो सेना थी महाराणा प्रताप की वो यहीं पर आकर छुप गई थी, यहीं पर आकर बसी थी, ठीक है। इसके बाद आप क्या था चावंड, जो हल्दीघाटी के बाद की कैपिटल बनती है चावंड महाराणा प्रताप की, 12 साल तक 1597 जो आपको मैंने बताया उनकी डेथ तक यही इनकी जो कैपिटल बनी हुई थी। और जो चावंड शैली का जो उदय होता है आपके जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग है वो वहीं से होता है, ठीक है। और उदयपुर और गोगुंदा के बीच में पड़ती है ये जगह, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पड़ती है। और मेवाड़ के दक्षिण में, और जहाँ पर दक्षिण में मेवाड़ के मतलब यहाँ पर इसके मालवा गुजरात और सिरोही वाले राज्य पड़ते हैं, और ये सारे जो राज्य थे इनकी दोस्ती थी किससे, महाराणा प्रताप से, ठीक है। और इसकी वजह से ये चवंड इनके लिए बहुत सेफ सुरक्षित जगह थी कि चारों तरफ से इनके पास कहीं से अटैक हो नहीं सकता था, तो ये बात इनको समझ में आती है। इसके अलावा यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत जबरदस्त है, ठीक है, यहाँ पर चौपाल, कई सारी छुपने की सीक्रेट मीटिंग की जगह बनी हुई थी यहाँ पर, और बहुत सारे क्या कहते हैं यहाँ पर बहुत कई खंडर मिले हैं देखने को, जिससे पता लगता है कि ये एक यहाँ पर बहुत ज्यादा एक बहुत एक फ्लरिशिंग जगह रही होगी अपने टाइम पर जब महाराणा प्रताप यहाँ पर थे। और जो आपको मैंने बताया चामुंडा देवी का मंदिर बनाया था महाराणा प्रताप ने, वो भी यहीं पर मौजूद है चावंड के अंदर, चावंड से चामुंडा बना हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट लोकेशन और बचती है, एक बचती है उबेश्वर, ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार आरएस में, ठीक है, और एक बचती है कोल्यारी। उबेश्वर क्या है, ये करीब 30 किलोमीटर है उदयपुर से, 16 माइल यानी करीब करीब 30 किलोमीटर, जहाँ पर एक शिव भगवान का मंदिर बनाया हुआ है, और ये धार गांव के अंदर पड़ता है, ठीक है, धार गांव में पड़ता है। और ऐसी किंवदंती है, एक फोकलोर है, दंत कथा कह लीजिए, कि जब मुगल आर्मी जो थी वो प्रताप को पकड़ने के लिए यहाँ पर पहुंची तो अचानक से शिवलिंग में विस्फोट होता है, तो शिवलिंग में एकदम से विस्फोट होता है और एकदम बवंडर निकलता है यहाँ पर, ठीक है, तो स्वार्मिंग, तो एक साइक्लोन सा निकलता है यहाँ पर और मुगल सेना को पूरी तरह खदेड़ देता है यहाँ पर, इनकी आंखों में धूल चली जाती है तो बच नहीं पाते हैं, और प्रताप की आर्मी चुपचाप से यहाँ से निकल जाती है, इस एरिया से निकल जाती है, तो ऐसा इसके बारे में किंवदंती कही जाती है। और इस शिवलिंग में दरार आई हुई है पूरी बकायदा, ठीक है, फोटो मुझे मिली नहीं वरना मैं जरूर डालता, तो उबेश्वर मंदिर की फोटोग्राफ थी, तो जो उसमें शिवलिंग के अंदर बीच में दरार आई हुई है, ऐसे शिवलिंग है पूरा, तो यहाँ से दरार आई हुई है पूरी इसके अंदर शिवलिंग के बीच में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।
अब एक चीज बात करें कोल्यारी। अब कोल्यारी जो है वो वहां पर वो जगह है जहां पर हल्दी घाटी के अंदर जो जो सोल्जर जख्मी हुए थे उनका इलाज किया गया था, और ये भी उदयपुर के अंदर है। तो जगह जो पूछी जाएगी वो आपसे पूछेगी कोल्यारी कहाँ पर है, तो उदयपुर के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्या है, मानसिंह ने अपना कंट्रोल सेंटर बनाया हुआ था। जब गोगुंदा के बाद वो जो दूसरी जगह बनाई थी उन्होंने गोगुंदा से दूर प्रताप की आर्मी को चेक करने के लिए, उन कंट्रोल में करने के लिए, तो वो इन्होंने यहीं पर बनाया था, कहाँ पर, कोल्यारी के अंदर, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो लास्ट प्लेस है जो इंपॉर्टेंट है वो अभी कमलनाथ या आवागढ़, ठीक है। तो आवागढ़, कमलनाथ गढ़, ये एक ही बात है। और ये एक आपके झाड़ोल तहसील जो उदयपुर के अंदर है वहां पर मौजूद है, उसके पास मौजूद है। और ये 12 किलोमीटर का एक, सॉरी 25 किलोमीटर का, 12 माइल है, तो एक सर्कुलर रीजन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अटैक करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब एक दो चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा इसके अंदर, कि अब जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो आरसी मजूमदार ने एक नॉवल लिख दी उस वक्त, जिसका नाम था राजपूत जीवन संध्या, जो महाराणा प्रताप की स्ट्रगल के बारे में बताती है। तो आरसी मजूमदार, तो एक ये ध्यान, किताब का नाम ध्यान रखिएगा राजपूत जीवन संध्या और आरसी मजूमदार राइटर, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम लिखने वाले, उन्होंने दो किताबें लिखी थी, एक तो लिखी थी राजसिंह का, राजसिंह उपन्यास, और दूसरा मेवाड़ के दो पावरफुल महाराणा, टू पावरफुल महाराणाज ऑफ मेवाड़। इसमें एक तो उन्होंने राजसिंह के बाद जिक्र किया था, और एक दूसरा आपके ये जो मेवाड़ के महाराणा प्रताप, इन दोनों का जिक्र किया हुआ इसके बारे में। तो ये दो किताबें बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है इनके बारे में, तो दोनों आप ध्यान रखिएगा, किताबें भी राइटर भी। चलिए अब इनके बाद आते हैं महाराणा प्रताप के वीर पुत्र महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, ठीक है। तो अमर सिंह फर्स्ट का जो कार्यकाल था वो 1597 से लेकर, और जब उनकी डेथ हुई प्रताप की उसके बाद से लेकर 1620 तक का रहा, जब राजा रहे इतने साल। इनका जन्म जो 1559 के अंदर हुआ था, जो आपको मैंने बताया, जब उन्होंने वो बनाई थी एक, सर प्लस की क्लास का क्या हुआ आज, नहीं होगी स्टार्ट, नहीं त्रिभुवन जी आज स्टार्ट नहीं हो पाएगी, कुछ मैंने ग्रुप पे मैसेज डाला था टेलीग्राम ग्रुप पर भी कि कुछ शेड्यूलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो आज आई थिंक वो क्लियर हो जानी चाहिए। तो हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे प्लस की क्लासेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो हम कल से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे, 12:30 से डेट टाइमिंग वही रहेगा, तो वहां पर हम कल से देखते हैं, ठीक है। तो आज शेड्यूलिंग हो जानी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए उसकी। चलिए हाँ, तो अब आपके आते हैं महाराणा इसके ऊपर, अमर सिंह के ऊपर। तो अमर सिंह ने एक खास तौर से एक नया डिपार्टमेंट बनाया था झाला हरिदास की लीडरशिप के, तो झाला हरिदास एक बहुत एक इंपॉर्टेंट उनके मिलिट्री कमांडर होते हैं, ठीक है, मिलिट्री कमांडर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये अमर सिंह की फोटोग्राफ भी है। तो झाला हरिदास की मिलिट्री कमांड में दोबारा से अपनी जो अपनी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको रिन्यू करते, क्योंकि मजबूती चाहिए थी इनको एक बार अटैक के बाद, क्योंकि बहुत दिन की सेना टूट चुकी थी लड़ लड़कर प्रताप से, और सॉरी अकबर से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। सो वुड यू कम एट एनीबडी प्लस एज सून एज पॉसिबल, आई विल बी कमिंग ऑन प्लस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, हर्षवर्धन सिंह, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स 12:30 ऑनवर्ड्स आई विल बी कमिंग ऑन प्लस एंड वील बी टेकिंग अ क्लासेस। मैं कल इस वाली क्लास में टाइम और बता भी दूंगा, कोई बाई चांस कोई चेंज होता है तो वो वाला टाइमिंग में मैं आपको आज इन्फॉर्म कर दूंगा उसके बारे में, ठीक है। चलिए अब जो आपके, हाँ तो अब देखिए, जब तो आपको जब भी मैंने बताया कि प्रताप को अकबर मनाने में सफल नहीं रहा कि वो किसी तरह मुगल सुप्रीमसी वो अचीव कर ले, तो वो प्रेशर करता है किसके ऊपर, आपके इनके ऊपर, महाराणा अमर सिंह के ऊपर। और 1605 में अकबर की भी डेथ हो जाती है, तो वो भी अकबर के मतलब अकबर अपने जीवन काल के अंदर महाराणा प्रताप को संधि भी नहीं करवा पाया था, मेवाड़ पे कंट्रोल भी नहीं कर पाया था, तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अब देखिए क्या होता है, जहांगीर जो होते हैं वो 1605 के अंदर रूलर बनता है, कहाँ का, मुगल एम्पायर का, मुगल एम्पायर का रूलर बनता है, किंग बनता है। और वो दोबारा से 1605 के अंदर अपने जो वो भेजती है, टाइमिंग रहेगा 12:30 to 1:30, ठीक है, कल प्लस पर, ठीक है। तो 1605 में दोबारा अपनी आर्मी भेजते हैं अपने पुत्र परवेज के लीडरशिप के अंदर। तो यहाँ पर देवारी की बैटल लड़ी जाती है, ठीक है, जिसके अंदर परवेज को हरा दिया जाता है। कौन हरा देता है, आपके अमर सिंह फर्स्ट। तो ये ध्यान, देवारी की बैटल ध्यान रखिएगा पहली चीज। इसके बाद महावत खान को भेजा जाता है, जब वो दोबारा से अटैक करता है 1608 पर, तब वो भी उसको भी हरा कर वापस भेज देते हैं। इसके बाद तीसरी बैटल होती है अब्दुल्ला खान के बीच में, ये बैटल ऑफ रामपुर होनी चाहिए यार, ये रणपुर नहीं है, रामपुर है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रामपुर बैटल होती है अब्दुल्ला खान के बाद, लेकिन ये भी हार जाता है। और इसके बाद किंग बासु को भेजा जाता है, लेकिन 1611 के अंदर, लेकिन जहांगीर खुद 1613 में नवंबर, जो किंग बासु को भी कोई सफलता नहीं मिलती, ये भी महाराणा अमर सिंह को नहीं नहीं समझा पाता है, नहीं कंट्रोल कर पाता है उसके, नहीं जीत पाता है उससे। तो जहांगीर खुद 1613 के अंदर वहां पहुंच जाता है, क्या कहते हैं, अजमेर। और फिर वो डिसाइड करता है कि मेरे को किसी तरह से अब अकबर से, अमर सिंह को मनाना पड़ेगा या कंट्रोल करना पड़ेगा। और अपने बेटे शाहजहां को, उसका नाम निकनेम खुर्रम होता है, जब वो राजा बनता है उसके बाद शाहजहां का नाम रखता है, तो खुर्रम को भेजता है मेवाड़ के लिए। देखिए अब इस वक्त क्या होता है, जो मेवाड़ के, हालांकि अमर सिंह का मूड नहीं था संधि करने का,
लेकिन जो मेवाड़ के बाकी सामंत थे वो ये बात समझाते हैं मेरा महाराणा को कि भाई हम कब तक इस तरह से लड़ते रहेंगे, इससे प्रजा को बहुत नुकसान हो रहा है और प्रजा भी एक हद तक हमारा सपोर्ट करेगी। जब उनको लगेगा कि हम लोग लड़ाई लड़ाई कर रहे हैं प्रजा के उत्थान, क्योंकि बिजनेस बहुत हैम्पर होता है, ट्रेड नहीं हो पाती थी प्रॉपर और जितना पैसा था वो सारा विकास की बजाय आपके लड़ाइयों में लग जाता था, तो वो प्रॉब्लम हो रही है। तो वो समझाते हैं कि आप देख लीजिए, अगर आपकी शर्तों पर अगर औरंगजेब सॉरी अगर आपका जहांगीर से संधि करने का मन है तो अपनी शर्तों पर कर लीजिए, मेवाड़ की आन मान शान को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा, हम नहीं चाहते कि लड़ाई बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू हो। तो ये चीज वो उसको बोलते हैं। तो फिर अमर सिंह के अपने सामंतों की बात को मानता है, हालांकि उनकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी इसको सरेंडर करने की अपने आप को एक तरह से, या ट्रीटी साइन करने की, तो फिर भी वो अपने सामंतों की बात को मानते हुए और अपनी प्रजा की भलाई के लिए ट्रीटी साइन करते हैं, जिसको मेवाड़ मुगल ट्रीटी कहा जाता है। तो ये मेवाड़ मुगल ट्रीटी 1615 के अंदर 5 फरवरी को साइन होती है, ये ध्यान रखिएगा पूरी डेट आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। जब राणा अमर सिंह अपने जो पूरे शुभकरण हरिदास, ये दो हरिदास इनका जो मिलिट्री कमांडर था झाला हरिदास, वो और शुभकरण को भेजता है खुर्रम के पास, यानी शाहजहां के पास नेगोशिएशन के लिए, और खुर्रम की तरफ से मुल्ला शकरुल्ला और एक सुंदरदास, ये दो लोग आते हैं। आप इनके नाम याद है मात्र को कोई दिक्कत नहीं, आप इतना ध्यान रखना कि अमर सिंह और खुर्रम की मुलाकात होती है, ये ध्यान रखना, ऐसे बात कर लेना। और वो डिस्कस करते हैं ट्रीटी टर्म्स ऑफ कंडीशन, और वो ट्रीटी टर्म्स ऑफ कंडीशन जो शाहजहां है वो जहांगीर के पास भेज देता है, जो कि उस वक्त अजमेर में था, और जहांगीर उस बात को मान जाता है कि हाँ ठीक है, इन शर्तों पर ट्रीटी साइन कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद राणा अमर सिंह अपना एक वो क्या डिग्री, यानी कि अपना एक फतवा इशू कर देते हैं एक तरह से, या अपना एक पूरा रॉयल कमांड रॉयल ऑर्डर इशू करते हैं, उसको डिग्री कहा जाता है कि भाई इस तरह से होगा। जो ट्रीटी में लिखा हुआ था कि भाई चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं कराएंगे महाराणा, तो वो बोलते हैं ठीक है नहीं करेंगे भाई। दूसरा, करण सिंह जो थे, जो इनके पुत्र थे मेवाड़ महाराणा आपके अमर सिंह के, वो मुगल कोर्ट के अंदर मौजूद रहेगा और उसको 1000 घोड़ों की मनसबदारी दी जाएगी, 1000 घोड़सवारों के साथ 1000 घोड़ों की मनसबदारी दी जाएगी, मतलब ठीक है। तीसरा, मुगल का जो महाराणा थे, जो महाराणा अमर सिंह के, जो भी महाराणा बनेगा आने वाले टाइम में, उसको मुगल कोर्ट में रहने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। मतलब वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं, वो खुद नहीं जाएंगे, ये बहुत बड़ी जीत थी एक तरह से, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि अगर बाकी जितने भी राजा थे, जैसे मान सिंह था, उसको खुद को मौजूद रहना पड़ता था, उसके अलावा जसवंत सिंह थे जो जोधपुर वगैरह के थे, उनको खुद को जो खुद रूलर था ऑन थ्रोन जो बैठता था उनको मौजूद होना पड़ता था। सिर्फ मेवाड़ को ये लीवरेज मिली कि वो जो उनका रूलर जो ऑन थ्रोन जो महाराणा है उसको मौजूद नहीं होना पड़ेगा, कहाँ पर, आपके राज दरबार के अंदर, मुगल कोर्ट के अंदर। तो बहुत बड़ी जीत थी अपने आप में ये। दूसरी चीज, महाराणा प्रताप सॉरी राणा जो मेवाड़ के महाराणा थे उनके ऊपर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी कि वो मुगल्स के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करें, तो कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी उनके ऊपर। तो ये भी बहुत एक बड़ी एक फेवर की बात हुई थी मुगल महाराणा के लिए, ठीक है, मेवाड़ के। तो इस तरह से मुगल और मेवाड़ महाराणा जो ट्रीटी थी वो साइन होती है, और इसकी वजह से आपका जो संघर्ष था, जो लगातार इतने सालों संघर्ष, क्या कहते हैं आपके सांगा के टाइम से संघर्ष शुरू हुआ था मुगल्स के बीच में और महाराणा मेवाड़ के महाराणाओं के बीच, वो एक तरह से खत्म होता है। चलिए, और इसके बाद मेवाड़ के डेवलपमेंट का टाइम शुरू हो जाता है, ठीक है। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अमर सिंह को अपने एक वीर बाप का वीर बेटा, ठीक है, ब्रेव सन टू अ ब्रेव फादर, महाराणा प्रताप की तरह ही बहुत ही ब्रेव आदमी थे, लेकिन अपने प्रजा की इच्छा का सम्मान करते हुए, अपने सामंतों की इच्छा का सम्मान करते हुए एंड में उन्होंने ये ट्रीटी साइन करनी पड़ी। और इसके बाद उनका ये कई जगह इंस्टेंसेज मिलते हैं कि इसके बाद उनका बिल्कुल चित्त उड़ गया था, राजकाज से उनका बिल्कुल मन हट गया था, और उन्होंने राजकाज करण सिंह को सौंप के फिर वो अपने क्या कहते हैं समाधि में या अपनी इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, अपने राजकाज से अपने आप को हटा लिया था, ठीक है। और महाराणा अमर सिंह की मृत्यु हुई थी 1620 के अंदर, ठीक है, और उनकी जो फ्यूनरल हुई थी वो गंगोद्भव आहड़ के पास है, वहाँ पर हुई थी। और महाराणा अमर सिंह की जो पहली छत्री बनी है महासती के साथ, जो है महासती की छत्री है वो वहीं पर बनी है जो आहड़ के अंदर लोकेटेड। और इसके बाद जितने भी महाराणा हुए अमर सिंह के बाद, उन सबकी जो छत्रियाँ, मतलब जो भी उनके मेमोरियल बनते, जहाँ उनको क्या कहते हैं जलाया जाता था, वो गंगोद्भव के अंदर ही होने लगा, गंगोद्भव विलेज के अंदर ही। इससे पहले सबकी गोगुंदा के अंदर या अलग अलग जगहों पर छत्रियाँ बनी हुई थी, कुंभलगढ़ के अंदर इस तरह बनी हुई थी, लेकिन इसके बाद से अमर सिंह के बाद से सबकी छत्रियाँ जो है वो गंगोद्भव के अंदर ही बनना शुरू हो गई थी, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपके आते हैं महाराणा कर्ण सिंह, अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह। कर्ण सिंह जो है वो इनकी पिता की मृत्यु के बाद राजा बनते हैं, और इन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो था कि परगनों में, डिस्ट्रिक्ट्स में बांटना शुरू कर दिया अपने पूरे एरिया को, पूरे रीजन को। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने अपने अपने किसके आने के बाद ये पूरी तरह से डिवाइड होना शुरू हुआ परगनाओं में, तो वो हुआ था कर्ण सिंह के बाद। अब कर्ण सिंह के टाइम पर शाहजहां अपने पिता से विद्रोह कर, यानी खुर्रम जो थे अपने पिता जहांगीर से विद्रोह कर 1622 के अंदर मेवाड़ आ जाता है, तो मेवाड़ में स्वागत करते हैं लोग। और वो दिलवाड़ा जो महल थे, दिलवाड़ा महल में इनको रुकवाते कई बार, कुछ समय के लिए जग मंदिर पैलेसेस के अंदर भी रुकवाया जाता है, जो पिछोरा लेक के अंदर जग मंदिर बने हुए हैं।
अभी जग मंदिर जो है वो बने, उनका नाम जगत सिंह इनके पुत्र ने रखा था, वो क्या है मैं बताता हूँ आपको आगे, ठीक है। और उसके बाद राणा जो आपके करण सिंह थे, उन्होंने हेल्प की थी इसकी शाहजहां की मांडू जाने के अंदर भी। तो जब ये पूरी चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि शाहजहां जहांगीर से नाराज होने के बाद या आप कहते हैं रिबेल करने के बाद किस जगह पर आकर करण सिंह किस महाराणा ने ना उसकी हेल्प की थी आपके शाहजहां की, तो वो करण सिंह ने की थी, ठीक है। अब देखिए कर्ण सिंह ने जग मंदिर को बनाना शुरू किया था, तो वो हो सकता है उसका नाम कर्ण मंदिर रखते, लेकिन उसको कंप्लीट करवाने का काम था उनके पुत्र जगत सिंह ने करवाया था, इसीलिए इसका नाम जग मंदिर रखा गया है, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जग मंदिर पैलेस है, जग मंदिर जो बना हुआ है, जो मेंशंस बनी हुए हैं, वो किसने बनवाए थे? वो बनवाए थे आपके कर्ण सिंह ने, उसका काम करवाया कंप्लीट करवाया था जगत सिंह ने, इसलिए उसका नाम जग मंदिर रखा गया है। इसके अलावा इन्होंने कर्ण विलास, दिलकुश महल, बड़ा दरीखाना, ये तीन चीज और बनवाई थी। साथ ही इन्होंने जो उदयपुर का शेरपना या परकोटा, ठीक है, बैटल डोर, परकोटा जो पूरी बाउंड्री होती है वो, या जिसको आप कह रहे हो शेरपना, वो बनवाना शुरू किया था उदयपुर का, और इनकी मृत्यु 1628 के अंदर हो जाती है। इसके बाद जो राजा बनते हैं वो बनते हैं आपके महाराणा जगत सिंह फर्स्ट, ये भी बड़े रूलर थे, काफी इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं, ठीक है। जो आपको मैंने बताया था कि राज सिंह, जगत सिंह, प्रताप, कुंभा, अमर सिंह, ये चार पांच रूलर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में ही पढ़ना है। तो जगत सिंह फर्स्ट रूलर बनते हैं, और इनका इन्होंने क्या किया था, इनके टाइम पर प्रतापगढ़ की जो जागीर थी वो सेपरेट हो जाती है मेवाड़ से, जो शाहजहां कर देता है। तो ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डबल चीज, ये जो डबल स्टार लगा रहा हूं मैं इसके ऊपर, कि एक क्वेश्चन जो बनता है वो ये पूछते हैं कि किसके टाइम पर प्रतापगढ़ को मेवाड़ से अलग कर दिया गया था, किसने किया था, शाहजहां ने किया था, और जगत सिंह फर्स्ट के टाइम पर अलग किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जगत सिंह अपनी बहुत दान वीरता के लिए बहुत माने जाते हैं, इन्होंने कई सारे ताम्रपत्र डोनेट किए, जैसे कल्पवृक्ष है, सप्त सागर है, रतन धेनु है, और आपके विश्व चक्र, इस तरह के इन्होंने वो दिए थे दान में ताम्रपत्र। और इन्होंने चित्तौड़ फोर्ट का रेनोवेशन शुरू करा दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए जगत सिंह इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने जगन्नाथ राय मंदिर बनवाया था, विष्णु का जो मंदिर है जगन्नाथ राय मंदिर, वो बनवाया था, जो पंचायतन शैली का बना हुआ है। तो ये पंचायतन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जगन्नाथ राय मंदिर कौन सी शैली का बना है, तो पंचायतन शैली का बना हुआ। पंचायत शैली का मतलब क्या होता है कि बीच में एक बड़ा मंदिर होता है, ठीक है, और ऐसे टेम्पल बना होता है, बड़ा सा मंदिर है पूरा एक, और इसके अलावा चार छोटे छोटे मंदिर चार कॉर्नर में बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इसको बीच में बड़ा मंदिर और चार छोटे मंदिर चार कॉर्नरों में, तो ये आपके इसको पंचायतन शैली का मंदिर कहा जाता है। तो ये पंचायतन शैली क्या होती है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है, जब कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बीच में बड़ा मंदिर होगा ऐसे हो जाता है, ठीक है। और ये नागर स्कूल ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर, जैसे आपको पता है ना नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, तो उसी के नागर के अंदर स्कूल ऑफ आर्ट जो होता है, आर्किटेक्चर होता है, उसके अंदर ये पंचायतन फॉर्मेशन बनती है। तो पांच मंदिरों का पंचायतन इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने, और जो एक मंदिर, ये जो जगन्नाथ राय मंदिर था, वो अर्जुन जो था वो मिस्त्री था उसका, उसकी देखरेख में भाणा सुथार और उसके पुत्र मुकुंद ने बनवाया था। तो जो प्लानिंग की थी, जो मैपिंग की थी पूरी आर्किटेक्चर की, वो आपके अर्जुन ने की थी, और जो कंस्ट्रक्शन था वो आपके भाणा सुथार और उसके पुत्र मुकुंद के थ्रू करवाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जगन्नाथ राय प्रशस्ति भी इन्होंने बनवाई थी, इसका कंपोजर कृष्ण भट्ट थे। जब प्रशस्ति का टॉपिक लिया था मैंने, इंस्क्रिप्शंस का पूरा करवा दिया था आपको, तो वहां से आप दे सकते हैं। भैंसड़ा विलेज है वहां पर रखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ढाई मंदिर बनवाया था, लोकेटेड नियर जगदीश टेम्पल बाय नौजूबाई। तो नौजूबाई जो थी जो उनकी ये ढाई थी, किसकी, महाराणा की, कर्ण सिंह की ढाई थी। तो उन्होंने, और ये एक लोक देवी भी थी मारवाड़ की, माना जाता है इनको, लोक देवी माना जाता है मारवाड़ की, ठीक है। तो बड़ी फेमस थी नौजूबाई, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, इनके टाइम पर ढाई मंदिर बनवाया गया था। साथ ही मोहन मंदिर पिछोला के अंदर जो वो बनवाया गया था, और रूप सागर तालाब ये भी इन्होंने बनवाए थे। अब कर्ण सिंह के, क्योंकि इन्होंने इतने काम करवाए थे, जगत सिंह ने सॉरी, तो इसीलिए इनके लिए ये क्या है, एक आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रख के चलिएगा। अब जगत सिंह के लिए बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने महाकाल और ओमकारनाथ मंदिरों की यात्रा भी की थी, और इनकी माता जम्बूवती ने भी द्वारका की यात्रा की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन वर्थ मेंशनिंग, क्योंकि उससे पहले ऐसे इंस्टेंसेस मिलते नहीं है कहीं जाने के, और इनकी मृत्यु 1652 में, कोई खास जरूरत नहीं है इनको याद रखने की, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपके आते हैं महाराणा राज सिंह, ये इंपॉर्टेंट रूलर हैं दूसरे, ठीक है। तो ये 1652 के अंदर राजा बनते हैं, और ये इंपॉर्टेंट इस फॉर्मेट में कि बहुत ही हरफन मौला टाइप रूलर थे, मनमौजी रूलर थे, और औरंगजेब की इन्होंने नाक में बहुत दम कर रखा था, और बहुत ही एक अपने एक राजपूती आन बान शान का आखिरी नमूना कह सकते हो आप इनको एक तरह से, ठीक है, स्पेसिमेन, नमूना इन द पॉजिटिव सेंस, स्पेसिमेन, ठीक है, तो डोंट टेक मी अदरवाइज। तो बहुत ही एक जबरदस्त पर्सनैलिटी रूलर थे, और इन्होंने क्या किया था, जैसे जब जगत सिंह ने शुरू कर दिया था चित्तौड़ का जो किले के वो क्या कहते हैं बनाना, तो इन्होंने बहुत जोर शोर से चित्तौड़ बनाना, बुर्जे बनाना शुरू कर दिया चित्तौड़ किले के अंदर, ठीक है। तो शाहजहां को गुस्सा आता है, शाहजहां सादुल्ला खान को बोलते हैं तोड़ने के लिए, सादुल्ला खान आता है, तोड़ता चला जाता है, और उसके बाद ये दोबारा बनाना शुरू कर देते हैं।
तो शाहजहां भी फिर थोड़ा सा रिसिपियंट हो जाता है इस चीज को लेकर कि बनेगा, ये प्रॉब्लम तो होगी आगे जाकर, ठीक है। और जब इन्होंने क्या कहते हैं, जब शाहजहां के बाद औरंगजेब के और बाकी बीच में औरंगजेब, दारा शिकोह, आजम वगैरह के बीच में जब युद्ध हो रहा होता है आपके उसको लेकर, क्या कहते हैं सक्सेशन को लेकर मुगल थ्रोन के, तो उसका फायदा उठाते हैं ये, और जो भी प्रॉपर्टी, जो भी टेरिटरीज थी जो वो हार जाते हैं, क्या कहते हैं शाहजहां जो मुगल्स के तो हार जाते हैं कौन, प्रताप के टाइम पे या अमर सिंह के टाइम पर जो मेवाड़ के बारे में, उनको वापस लेना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। तो ऑलमोस्ट पूरा ना पूरा मेवाड़ इन्होंने वापस अपने पास हथिया लिया होता है धीरे धीरे करके। तो उसके अलावा जो प्रॉब्लम, अब औरंगजेब इनसे क्यों चिढ़ता है, औरंगजेब से चिढ़ने के इनके पास दो तीन कारण थे। पहला तो औरंगजेब को पसंद नहीं था कि क्या कहते चित्तौड़ किले को दोबारा से बनाए, तो ये इन्होंने चित्तौड़ के किले को दोबारा बनाना शुरू कर दिया। दूसरा औरंगजेब ने क्या किया था, जो राजा रूप सिंह था किशनगढ़ का, उसको तैयार कर लिया था कि उसकी बेटी थी चारुमती, सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी, तो उससे शादी करवाने को। तो लेकिन चारुमती क्या करती है, वो मनी मन पति मान बैठती है इनको, किनको, राज सिंह जी को। और राज सिंह जी को चिट्ठी लिख के भेज देती है कि भैया अपनी राजपूत जो कटार है और वो लेकर भेजिए, और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं मुगल उनके साथ शादी नहीं करना चाहती। तो जब उनको ये बात पता लगती है तो ये तो अपनी कटार भेज के शादी करवा कर लेकर आ जाते हैं चारुमती को, तो औरंगजेब और ज्यादा चढ़ जाता है, ठीक है। तीसरा, इनको ये अंदाजा था कि भैया मुगल्स के साथ मेरा संघर्ष हो सकता है, तो इन्होंने गीरवा की पहाड़ियों के पास, गीरवा हिल्स जो थे उनके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करना, अपने आप को लोकेशन मजबूत बनाना, और जो आपके माउंट्स थे वो ढंग से मैनेज करना, कई चेक पोस्ट बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। और इन्होंने अपने जो जो देवबारी है उसको मजबूत कर दिया। उसके बाद इन्होंने एक टाइटल अज्यूम कर लिया अपने लिए, विजय कटकाटू। ये बहुत टाइम बाद किसी रूलर ने ऐसा किया था। देखिए अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री देखते हो राजस्थान की, तो आप 7-12वीं शताब्दी के बाद से बहुत कम ऐसे आपको इंस्टेंसेस मिलेंगे जब किसी ने कोई टाइटल कोई विरुद्ध धारण किया हो, ठीक है। 12वीं 11वीं शताब्दी के बाद ही कोई बहुत कम ऐसे एग्जांपल मिलते हैं कोई विरुद्ध धारण किया हो। तो इन्होंने विजय कटकाटू का विरुद्ध धारण कर लिया, टाइटल ले लिया था अपने लिए, और वो ये कि अपने ये जताने के लिए, ये मैसेज कन्वे करने के लिए अपनी सेना को कि भाई मैं एक सैनिक राजा हूँ, मेरे लिए मेरी सेना, मेरे लिए मेवाड़ पहले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो ये आपको वहां पर मिलेगा। एंड ये जो इनके विच गिव्स द एक्सप्रेशन ऑफ द मिलिट्री लाइफ अमंग हिज कंपेनियंस एंड सब्जेक्ट, मतलब उनके जो सामंत थे आसपास के, उनको ये बताता कि मैं एक मिलिट्री जीवन जी रहा हूँ, और मैं विजय कटकाटू इसीलिए क्योंकि मैं जब तक संघर्ष होएगा तब तक मैं ऐसी मिलिट्री लाइफ ही जीऊंगा लोगों के लिए। तो ये वो चीज बताई जाती है उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा औरंगजेब क्यों चलता था कि औरंगजेब ने जजिया टैक्स लगाया था, उसका उन्होंने विरोध किया था, और जो एंटी हिंदू पॉलिसी चला रहा था औरंगजेब, उसका बहुत भारी विरोध कर रहे थे। तो आपको समझ में आ गया, चित्तौड़ फोर्ट बनाना, जजिया का विरोध करना, चारुमती से विवाह कर लेना, इस तरह की सारी। और उसके अलावा जो बालक राजा था अजीत सिंह जो मारवाड़ का था, उसको इन्होंने पनाह दी थी। अजीत सिंह जसवंत सिंह के पुत्र थे। जब हम मारवाड़ की वो करेंगे क्या कहते हैं हिस्ट्री, तो उसमें मैं आपको लिंक करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी तो थोड़ी सी फेवस खाओ इस चीज के लिए आप, ठीक है। तो अजीत सिंह जो थे वो दुर्गादास भगा के लेकर आए थे उनको दिल्ली से, औरंगजेब की कैद से छुड़ा के लाए थे। तो उन्होंने अजीत सिंह के पढ़ने के लिए, लालन पालन के लिए अभी वहां पर जगह दी थी मेवाड़ के अंदर, जागीर भी दी थी उनको, ठीक है। तो ये वो चीज मिलती है। अच्छा, इसके अलावा ये ध्यान रखना, खुमान रासो, मैं बुक बोलना भूल गया, खुमान रासो आपके दलपत विजय ने लिखी थी, जिसके अंदर हमको पता लगता है कि राज सिंह वॉज अगेंस्ट द एंटी हिंदू पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ लिटरेचर वाले पार्ट इंपॉर्टेंट है ना, तो उसके अंदर ही आप ध्यान रखते चलिए। चलिए, उसके अलावा इन्होंने गोसाई जो कम्युनिटी थी उनको श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाने के लिए जगह उपलब्ध कराई थी नाथद्वारा के अंदर, राजसमंद में, ठीक है। तो नाथद्वारा भी राजसमंद के अंदर, ये ध्यान रखना। इन्होंने अम्मा माता का मंदिर बनवाया था उदयपुर में। इसके अलावा इन्होंने द्वारकाधीश मंदिर बनवाया था कांकरोली के अंदर। तो जो सप्त ध्वजा कहते हैं ना आपने इनको, क्या नाम है श्रीनाथ जी को, तो बांके बिहारी का मंदिर है आपके, कांकर द्वारकाधीश मंदिर है, और कामा का भरतपुर वाला मंदिर है, तो इस तरह का श्रीनाथ जी का मंदिर, सप्त ध्वजा मंदिर इसीलिए कहते हैं इनको। तो ये आप ध्यान रख के चलिएगा। देखिए, राजस्थान हिस्ट्री लंबा टॉपिक है हर्षवर्धन, ये आई थिंक एटलीस्ट एक महीना चलेगा। अभी आप मान के चलो कम से कम एक महीना तो आप मान के चलो यार, क्योंकि मेरे को पूरा आपके जो पर्सनालिटीज़ है इंपॉर्टेंट वो सारी कवर करवानी है। इसके बाद राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में शुरू करूंगा, तो वो सारी चीज़ें पूरा हिस्ट्री वगैरह इसके अंदर पूरा चलता रहेगा ये। तो ये एटलीस्ट एक महीना तो आप मान के चलिए इस चीज़ के अंदर आप। अभी तो हम लोगों ने हिस्ट्री में कराई कितना सा, अभी मुझे हफ्ते भर तो हुआ है क्लास लेते हुए, जिसके अंदर मैंने अभी तक मेवाड़ पूरा करा दिया आपको, और आर्किटेक्चर और सॉरी वो आपके क्या कहते हैं जो एंशियंट इंस्क्रिप्शन ये सब करवाया है। इसके बाद बहुत सी चीज़ें बचती हैं अभी, तो कुछ शुरू हिस्ट्री शुरू हुई है अभी तो यार, ठीक है। और एक घंटा रोज में आप कितना कर पाओगे, तो ये आपको सारा कवर करना पड़ेगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ललिता जी स्लाइड्स मेरे पास इंग्लिश में ही है, मेरी हिंदी की मुझे टाइपिंग आती नहीं है, सो आई एम सो सॉरी। हालांकि मैं पढ़ाता पूरा हिंदी में हूँ इसीलिए, लेकिन स्लाइड्स मैं इंग्लिश में ही प्रोवाइड करवा सकता हूँ आपको। तो प्लीज़ वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट थिंग, बट माफी चाहूँगा। चलिए,
तो राजसमंद मंदिर, अच्छा आप जो राजसमंद जो लेक है, राजसमंद झील है, वो भी उन्होंने बनवाई थी गोमती नदी का पानी रोककर। तो ये ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो राजसमंद जो झील बनवाई थी गोमती नदी का पानी रोककर बनवाई थी, और इसके अंदर गोमती, ताल और केलवा तीनों नदियों का पानी आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपकी ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने इसी के जो चौमू मुहाने पर नौचौकी पाल बनवाई, जहां पर राज सिंह प्रशस्ति बनवाई गई है। ये प्रशस्ति मैंने कवर करी थी आपके जब इंस्क्रिप्शन का टॉपिक मैं कर रहा था, तो वहां ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वो और जो जिसके जो रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी, वो चीज आपको बता दी थी मैंने। इसके अलावा इन्होंने राजनगर जो कस्बा था वो बनाया था, जिसका नाम राजसमंद है, आप जिसको रीनेम करके राजसमंद बनाया गया था। आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके किसी एग्जाम में, आई थिंक जूनियर अकाउंटेंट में, किसमें, कि क्योंकि जो राजसमंद की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको आज भी राजनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन आया बकायदा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर राजनगर जो है वो नाम जानबूझकर मेंशन किया, वरना मैं राजसमंद भी मेंशन कर देता, लेकिन राजनगर ही वो नाम है, ठीक है। इसके अलावा जो इनकी रानी थी राम रसदे ने त्रिमुखा बावड़ी बनवाई थी वहां पर, कहां पर, राजसमंद के अंदर ही। तो ये सारे जो आर्किटेक्चर, इसलिए राज सिंह एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर बनकर आते हैं। चलिए इसके बाद जो रूलर आते हैं उनका नाम है महाराणा जय सिंह, ठीक है। और ये राज सिंह की मृत्यु के बाद इनके पुत्र जय सिंह रूलर बनते हैं यहाँ पे, जिन इनका जो जो राज जो राज तिलक का कॉरोनेशन था वो आपका कुर्जर गांव है वहां पर हुआ था, और इन्होंने जयसमंद लेक बनवाना शुरू किया था, ठीक है। तो राजसमंद के अंदर ही जयसमंद झील है राजसमंद जिले में, तो ये जय सिंह ने बनवाई थी, और इन्होंने ढेबर नदी का पानी रोककर ये बनवाया था, ठीक है। और जहां पर गोमती, इनको ढेबर झील भी कहते हैं, सॉरी, जहां पर गोमती, झामड़ी, रूपारेल और बागर, ये चार नदियों का पानी गिरता है। तो ये एक तरह से जो जो आपकी जो ढेबर झील बनवाई गई थी, या जयसमंद झील जो बनवाई गई थी, वो बनवाई गई थी बाढ़ के राहत कार्यों के तौर पर। तो ये जो 1691 में ये काम कंप्लीट हो गया था, इसलिए ढेबर झील भी कहते हैं। जो सबसे बड़ा जो टापू है इसके ऊपर, उसको बाबा का बकरा भाकरा कहते हैं, और जो छोटा सबसे छोटा टापू है उसको प्यारी कहते हैं। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इनके भी समय समय पर औरंगजेब के साथ क्लैशेज होते रहते थे, लेकिन औरंगजेब का जो पुत्र था शहजादा आजम, उसके साथ इन्होंने ट्रीटी साइन करी ताकि शांति स्थापित हो सके बीच में, ठीक है। चलिए अब आपके आते हैं महाराणा अमर सिंह टू। अब अमर सिंह जो टू थे, इन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया था, इन्होंने प्रतापगढ़ और वागड़, जो आपको मैंने बताया था जगत सिंह के टाइम पर जो अलग हो गई थी, तो प्रतापगढ़ को वापस से इन्होंने जोधपुर, सॉरी, इनको वापस से मेवाड़ के अंदर मिला लिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा जोधपुर और आमेर के जो राजा थे, उनके साथ इनका जो प्रॉब्लम चल रही थी आपके औरंगजेब की, तो वो दोनों को लिबरेट करवाया था। आमेर के राजा जैसे मिर्जा राजा जयसिंह को इन्होंने वापस राज दिलवाया था, और जोधपुर के जसवंत सिंह को दोबारा से राज दिलवाया था। ये हम आमेर की और राजस्थान की जो जोधपुर की जब हिस्ट्री करेंगे उसमें पूरी कहानी बताऊंगा आपको मैं, अभी तो आप कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो तब इन्होंने वो राज दोनों वापस दिलवा दिए थे, मैं वहां से लिंक करवा दूंगा कि ये वही अमर सिंह है सेकंड वाला, जिसकी जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वो हिस्ट्री में कंट्रोल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने काम किया था वो था, इन्होंने जो इनका जो सामंत थे उनको दो कैटेगरी में बांटा था, 16 और 32। अब ये नाम आपको यही ध्यान रखने पड़ेंगे कि दो कैटेगरी में बांट दिए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 और 32 कैटेगरी में किसने बांटे थे, तो अमर सिंह सेकंड था, उसने बांटे थे, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट, उन्होंने अमरशाही पगड़ी, जो पगड़ी पहन रखी इन्होंने ये वाली, तो ये पगड़ी इन्होंने शुरू कर दी है अमरशाही पगड़ी, तो ये भी इनके नाम से पूछी जाती है। जो क्वेश्चन आता है वो ये पूछा जाता है कि अमर सिंह फर्स्ट ने शुरू की थी महाराणा, सेकंड ने शुरू की थी, या जोधपुर के अमर सिंह थे, या जयपुर के अमर सिंह थे, कहां से थे, तो उनके नाम पे पूछी जाती है। तो अमर सिंह पगड़ी मेवाड़ के थे महाराणा, उन्होंने शुरू की थी। इसके बाद में आते हैं आपके महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड बहुत एक इंपॉर्टेंट रूलर है। इन्होंने हुड़ला कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई थी, हुड़ला सम्मेलन, जो कि पूरी तरह से हो नहीं पाया था, उनकी मृत्यु हो जाती है उस वक्त। तो संग्राम सिंह जो थे वो राजपूतों को मराठाओं के अगेंस्ट एकत्रित करना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम तक आते आते आपके जो मुगल रूल था बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। 1705 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, और उसके बाद इनका जो जो बाद में जो आपके शासन को लेकर जो युद्ध चलता रहता है वो बहुत ज्यादा कुछ फायदेमंद उनको मिलता नहीं है। कि आप YouTube पर क्लास ले रहे हो, कितने दिन की है सर? अच्छा हाँ, सॉरी, इसका आंसर कर चुका हूँ। चलिए तो ये होता है। अब इन्होंने सहेलियों की बाड़ी बनवाई थी उदयपुर के अंदर, ठीक है। साथ ही इन्होंने वीर दुर्गादास, ये वही दुर्गादास है जो अजीत सिंह को लेकर आता है, तो इनको इन्होंने हाकिमपुरा की जागीर इनको दे देते हैं। तो ये मैं पूरी दुर्गादास की कहानी मारवाड़ के साथ ही कंप्लीट करूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो बस आप अपने आंसर पूछे जाए तो इसमें लिख लेंगे दुर्गादास की जो हकीमपुरा की रामपुरा की जागीर थी और विजयपुरा की जागीर थी, वो पूरी इन्होंने दे दी थी, क्या कहते हैं आपके इनको दुर्गादास को, संग्राम सिंह ने, ठीक है। और वैद्यनाथ मंदिर चित्तौ उदयपुर का, वो इन्होंने बनाया था। वैद्यनाथ प्रशस्ति इनके टाइम पर लिखी गई है। चाइनीज जो आर्ट गैलरी है वो उदयपुर की इनके टाइम पर लिखी गई है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कर्नल जेम्स चोर ने इनके बारे में कहा है कि ये मारवाड़ मेवाड़ के आखिरी राजा थे जिन्होंने क्या कहते हैं मेवाड़ की जो स्वायत्तता थी उसको बनाए रखा, और जो बापा रावल ने बनाया था, यानी कि ही वॉज द लास्ट रूलर टू अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ मेवाड़।
ठीक है, मेवाड़ की पूरी जो स्ट्रेंथ थी उसको बना के रखा, और जो बापा रावल ने जिसको बना जिस डायनेस्टी को शुरू किया था। तो ये बात इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है जेम्स शोर ने, किसके बारे में, कि इस टेंथ सेंटेंस उठ के आ सकता है कि किस मेवाड़ के महाराणा के बारे में कही है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपके आते हैं जगत सिंह दी सेकंड। तो जगत तो महाराणा संग्राम सिंह का आपको मैंने बताया कि इन्होंने हुड़ला कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाने की बात कही थी, पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो ऑर्गेनाइज कौन कर, वो कॉन्फ्रेंस कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, महाराणा जगत सिंह टू। ठीक है, ये इनको ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जो उन्होंने राजपूतों के लिए महाराणा उनके मराठाओं के अगेंस्ट में करवाई थी। अब क्या हुआ था, इसकी डेट ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 जुलाई 1734। तो ये पूरी डेट हुड़ला कॉन्फ्रेंस की हुई थी, कब हुई थी ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ था, आपके जयसिंह आमेर का, जोधपुर का अभय सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जन साल, बूंदी का दलेल सिंह, नागौर का भक्त सिंह, किशनगढ़ का राज सिंह और करौली का गोपाल सिंह, सब गैदर उस सब मिले थे कहाँ पर, हुड़ला भीलवाड़ा के अंदर। जगह क्या है हुड़ला भीलवाड़ा में, क्वेश्चन पूछते हैं ये वाला भी कि हुड़ला कहाँ पर है, तो हुड़ला जो है वो भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, और इसका जो चेयरमैन थे वो आपके जगत सिंह ही थे, कन्वेनर थे आपके वो अजय सिंह थे, सवाई जय सिंह। तो क्वेश्चन पूछा जाए कन्वेनर कौन था, तो कन्वीनर थे वो आपके जय सिंह थे, और इसको प्रेसिडेंट जो थे वो जगत सिंह थे। और इन्होंने एक पूरा एक मैनिफेस्टो किया था, एक तैयार किया था अपना घोषणा पत्र। तो घोषणा पत्र क्या कहता है कि सब लोगों ने, जितने भी राजा थे जिनका नाम मैंने ऊपर मेंशन किया, उन्होंने धर्म की शपथ ली थी। ठीक है, और धर्म की शपथ लेकर ये कहा था कि हम लोग सब मिलकर राजपूती आन बान शान को बचाने के लिए बदला लेंगे किनसे, मराठाओं से। पहली चीज तो ये, दूसरी चीज ये कि कोई भी एक राजा दूसरे के दुश्मन को अपने यहाँ पर पनाह नहीं देगा, शरणागति नहीं देगा। तीसरा कि जैसे ही बारिश खत्म होगी तो सारे के सारे रामपुरा के आसपास अपनी आर्मी भेजेंगे ताकि ये अपने मराठाओं से एक साथ कंबाइंड ज्वाइंट फ्रंट खोला जा सके। और चौथी चीज ये कि अगर कोई भी इस प्लान में चेंज होगा तो वो सभी सबकी आपसी राजाओं की रजामंदी से किया जाएगा। तो ये चार चीजें उन्होंने बताई। अब होता क्या है, लेकिन सब लोग उस टाइम हुड़ला में तो हाँ करे चले जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, प्रॉब्लम आती है आपके जब बारिश खत्म हो जाती है, कोई भी राजा पहल नहीं करता है कि वो कौन अपनी आर्मी भेजना चाहता है। ठीक है, तो जब पहल नहीं होती है तो फिर क्या होता है कि कोई भी आर्मी इकट्ठी होती नहीं, तो इनकी मीटिंग फ्लॉप हो जाती है, और सबके सब जो होते हैं मुगल एम्परर उसके साथ अपनी आर्मी भेज देते हैं रामपुरा के अंदर, रामपुरा में एकत्र करते हैं, लेकिन मुगल गवर्नमेंट के अंडर में वो करते हैं ऑर्गेनाइज। ठीक है, और मुगल आर्मी का जो कमांडर होता है वो आपके मीर बख्शी खाने दौरान होता है, वो लेकर जाता है किसके, उदयपुर, आमेर, कोटा, बूंदी, ये सब आर्मी मिलकर वो मराठाओं से लड़ने के लिए जाती है। लेकिन मराठाओं ने क्या कहता है, इन सबकी कमांड आर्मी को भी हरा देते हैं और इनसे चौथ भी वसूलते हैं, कोटा, बूंदी और सांबर के सारे चौथ भी वसूल करते हैं इनके साथ, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो जगत सिंह ने जगत निवास पैलेस बनवाया था लेक पिछोला पर, तो ये आप ये जगत निवास है, और वो जो जगत सिंह फर्स्ट थे उसने जग मंदिर बनवाया था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और इसका जो दरबारी कवि था नेकराम, उसने जगत विलास नाम का ग्रंथ लिखा था, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद कोई जो सबसे बड़े और जो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट रूलर आते हैं वो आपके आते हैं भीम सिंह। ठीक है, अब भीम सिंह के जो 1778 में राजा बनते हैं, और इनके साथ जो कृष्ण कुमारी शादी का विवाद है वो जुड़ा हुआ है, बस सबसे इंपॉर्टेंट की लाइफ में सबसे बड़ा धब्बा था मेवाड़ की हिस्ट्री के ऊपर वो यही है कि जो कृष्ण कुमारी थी उसकी शादी भीम सिंह से है ना क्या कहते हैं जोधपुर के उन्होंने तय कर दी थी भीम सिंह से, जोधपुर के जो भीम सिंह थे उनसे तय कर दी थी, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है भीम सिंह जी की। ठीक है, तो जोधपुर का जो महाराणा जो मान सिंह है वो बोलता वो है ना क्या कहते हैं शादी के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके बाद जगत सिंह से शादी तय कर दी जाती है, जयपुर वाले जगत सिंह से। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि ये दोनों जयपुर और जोधपुर अपनी आन बान शान के ऊपर ले जाते हैं भाई कि शादी जोधपुर में तय हुई थी, जयपुर में दोबारा क्यों तय करी। तो अब क्या होता है कि फिर इनके बीच में गंगोली का युद्ध होता है, और गंगोली के युद्ध में जयपुर महाराजा क्या होता है अमीर खान पिंडारी की हेल्प से जोधपुर को हरा देता है। अब फिर दोबारा और जब इस विवाद को खत्म करने के लिए अमीर खान पिंडारी सलाह देता है और अजीत सिंह चुंडावत सलाह देते हैं भीम सिंह को कि आप कृष्ण कुमारी को मरवा दो जहर देकर, तो कृष्ण कुमारी को जहर देकर सुसाइड करवा दिया जाता है। तो बहुत बड़ा धब्बा था एक मेवाड़ की हिस्ट्री के ऊपर, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या होता है आपके जो भीम सिंह है वो अपनी जो सिक्योरिटी है वो हैंड ओवर कर देते हैं 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर लेते हैं, और वो अपनी पूरी सत्ता जो है वो उसको जो जो आप कहते हैं ना एक्सटर्नल जो पावर है वो पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं, जिसके अंदर जो टर्म्स कंडीशन ये थी 1/4 जो इनकम है वो दी जाएगी, 3/8 ऑफ दी कंपनी को आगे प्रोवाइड कराया जाएगा, इस तरह टर्म्स एंड कंडीशन थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा किसने संधि की थी, तो 1818 में महाराणा भीम सिंह ने संधि की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन बनता है कि उसके बाद 1818 में सरदार सिंह साइन करते हैं आपके रूलर बन जाते हैं मेवाड़ के, लेकिन संधि कौन साइन करता है, भीम सिंह। तो ये ध्यान रखिएगा दोनों अलग अलग थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
चलिए इसके बाद छोटे छोटे महाराणा आते हैं, ये कहते हैं स्वरूप सिंह जो आते हैं 1857 के अंदर, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से महाराणा थे जिनके टाइम पे लड़ाई हुई थी, तो 1857 के तो स्वरूप सिंह थे। शंभू सिंह को ग्रैंड कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया दिया गया था, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प की थी ब्रिटिशर्स की बाद में भी। और सज्जन सिंह का नाम इसलिए फेमस है कि स्वामी दयानंद सरस्वती इनके टाइम पर उदयपुर आए थे, जो जब इनकी जो प्रेमिका थी उन्होंने जहर दे दिया था और जिनकी अजमेर में डेथ हो गई थी, तो वो पूछा जाता है इसीलिए, ठीक है। और इनके टाइम पे जो मेवाड़ राजस्थान का पहला जो न्यूज़पेपर था सज्जन कीर्ति सुधाकर, तो वो शुरू हुआ था, इसलिए पूछा जाता है। महाराणा फतेह सिंह ने फतेह सागर लेक बनवाया था। दूसरा, इन्होंने दिल्ली दरबार अटेंड करने से मना कर दिया करजन का, क्यों? क्योंकि चेतावनी ने चुंगटिया जो लिखी थी आपके केसरी सिंह बारहट ने, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब फेमस पर्सनैलिटी जो राजस्थान से राजस्थानी फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे उसके बारे में, तब आपको बताऊंगा मैं, तो ये उनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज है। और जो लास्ट महाराणा आते हैं आपके महाराणा भूपाल सिंह, जो जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे मेवाड़ के महाराणा होते हैं और जिनको महाराज प्रमुख बनाया जाता है, ये उनकी एक्चुअल फोटोग्राफ है, ये ध्यान रखिएगा। तो ही बिकम्स द फर्स्ट महाराज प्रमुख ऑफ राजस्थान, जो बाद में जाके गवर्नर भी बनते हैं, और ये पोस्ट 1956 में वो हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हो जाता है। तो ये पूरी मेवाड़ की हिस्ट्री मैंने आपको सबसे प्राचीन जो राजघराना था वहाँ से लेके प्रेजेंट डे 1947 तक आपको बताई। इसके बारे में जो जो नोट्स हैं, तो जिन लोगों ने मेरा कोड ले रखा है, जो साइन किए हैं, साइन अप किया है, वो मुझे अपने पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दें, मैं उसकी पीडीएफ उनको अपलोड कर दूंगा तुरंत हैंड टू हैंड आज इवनिंग तक। मैक्सिमम जो भी नंबर दे देंगे मेरे को, मैं जिन्होंने भी साइन जो लिया है एडमिशन, तो वो मुझे बता दें, तो इनकी पीडीएफ वहाँ से मिल जाएंगी। और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरा कोड 10VS यूज़ करिए और प्लस अकेडमी पे जुड़े मेरे साथ, ताकि हम लोग जो मेंस का सिलेबस में शुरू करने वाला हूँ, सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो आप मेरे साथ पढ़ सकें। तो प्लीज़ गो एड डू दी ऑनर्स, ज्वाइन वन प्लस प्लेटफॉर्म, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें जो भी आपके क्वेश्चन हैं आगे, तो मैं नेक्स्ट टाइम जैसे भी आऊँगा वो कर सकता हूँ। इसके अलावा आप मुझसे मिल कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे बात कर सकते हैं इस नंबर पर, और व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस टुमारो, टिल देन टेक केयर एंड सायोनारा।